रिसेंटली मैंने एक रील देखी कि माता रानी जी शेर पे बैठती हैं, वो भी तो मांस खाता है। शेर को कभी दूध पीते हुए देखा है? नहीं, वो तो मांस खाता है ना, तो माता रानी को भी मांस चढ़ाना चाहिए। ये आई थिंक पहली बात तो जब माता रानी अपनी तपस्या में लीन थी तब एक शेर उनको देखता रहता था। माँ तो वर्षो वर्षो तपस्या में लगी रही, वो शेर भी वर्षो वर्षो तपस्या में लगा रहा, और वो इतना ज्यादा भूखा रह गया उस टाइम तक कि उसने कुछ नहीं खाया। और जब वो एंड में उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तब माँ अपनी तपस्या से उठी और उसको वरदान दिया कि आज से तुम मेरे वाहन बने। माँ के शरीर ने शिकार किया किसका? उसका, महिषासुर का। कि महिषासुर जब भैंस के रूप में आया तब उसने माँ के साथ उसका शिकार किया। रैंडमली जाकर किसी पशु पक्षी को कभी नहीं खाया किसी का, था माँ के शेर ने। माँ शक्ति और महादेव के प्रेम के बारे में आप कुछ बताइए। इनके प्रेम का गुणगान, इनके प्रेम की कथाएं असीमित, और उससे ज्यादा प्योर और पायस कुछ हो नहीं सकता। शिव में से उनकी ई, उनकी शक्ति चली गई और वो शक्ति अलग आगे खड़ी हो गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव समानी है। शंकर भगवान जिसका वध करना चाहे कर सकते हैं, पर शक्ति करती है। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर ही समाहित है। नमस्ते ईशिता जी, मेरा नाम है अक्षित एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट टेल ऑफ थॉट्स। आज हम बात करेंगे माँ शक्ति के बारे में, और मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक अपना परिचय दे सकते हैं अपने हमारे दर्शकों को, तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं, बट हमारे दर्शकों के लिए, कि मैं सूची बोले चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी शास्त्र हैं, बीट, आगम या फिर निगम, उनके पीछे के मतलब समझाने की प्रयास करती हूँ। ये नहीं कहती कि मैं एग्जैक्टली समझा पाती हूँ, बट कहीं ना कहीं एक प्रयास जारी है ताकि हम ये समझ सकें कि जो हम शब्द पढ़ते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कि हमें मनोविज्ञान के बारे में, हमारे जीवन के बारे में काफ़ी कुछ सिखाना चाहती है। प्रीटी मच इट। और आप मुझे ये बता दीजिए, आप हम अभी जब पहले बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे अध्ययन के बारे में, और साथ में आप ध्यान करते हैं उसके बारे में, आपने तंत्र का नाम लिया था। हाँ। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा कि तंत्र विद्या क्या है और क्यों इसे मिस इंटरप्रेट किया गया है इंटरनेट पे। तो आप क्योंकि इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप एक बोलते ना कि लाइक बच्चों की तरह हमें समझा सकते हैं लाइक कि तंत्र क्या है एक्चुअली में। देखिए, अगर आप बच्चों की तरह कह रहे हैं तो सबसे पहले है ना, स्कूल में चलते हैं, संस्कृत की क्लास पढ़ते हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, बी एट चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, सबको ही संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत में एक शब्द शक्ति नाम की चीज़ होती है जिसमें, जिसको तीन प्रकार का बताया गया है। जो शब्द आप अपनी आंखों के सामने देखते हो उनकी तीन प्रकार की शब्द होती शक्ति होती है। एक होती है अभिदा, दूसरी होती है लक्षणा, और तीसरी होती है व्यंजना। अभिदा का मतलब जो जैसे लिखा गया है वो वैसा ही है, मतलब आपका नाम अक्षित है, राइट। लक्षणा में हम क्या कहते हैं कि अक्षित का मतलब, एक्चुअल मतलब डिराइव करते हैं, और वो जो लक्षण टेबल पे लेकर आता है कि अक्षित का असली अर्थ क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी में भी है या नहीं है, कि आपका नाम अक्षित क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि आप ऐसे हैं। उसके बाद आती है व्यंजना, जिसमें हम उसको पूरी तरीके से डिकोड करते हैं। अब जैसे मैं नॉर्मली एग्जाम्पल जो लेती हूँ वो ये है कि मेरा नाम राम है, या फिर राम जो है वो शेर हैं। अब राम शेर है का मतलब क्या है, कि वो जंगल के राजा हैं, ये भी हो सकता है, पर हम जब उसको व्यंजना में देखते हैं हम कहते हैं कि उनसे ज़्यादा स्ट्रांग और उनसे ज़्यादा मैस्कुलिन कोई नहीं है। अगर वो जंगल में होंगे तो सबसे बड़ा जो वहाँ के पुरुषोत्तम होंगे, जो वहाँ के हर किसी जीव पर राज करेंगे, वो राम होंगे। पर पुराणों में क्या होता है, सिर्फ लिखा होता है कि राम शेर है। उस पे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम उसे अभिधा की तरह ले रहे हैं, लक्षणा की तरह ले रहे हैं, या व्यंजना की तरह ले रहे हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आर बुद्धि। तो आप जो कह रहे हैं कि तंत्र मिस इंटरप्रेटेड है, इट्स नॉट इवन अबाउट तंत्र। पुराणों की कितनी सारी कथाएं मिस इंटरप्रेटेड है, कि उनसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, जस्ट बिकॉज देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रह्मा जी कुछ कर दे रहे हैं, ये कैसा कैरेक्टर है, ये क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं।
क्वेश्चन ये नहीं आ रहा कि पोट्री क्या करना चाह रहे हो और हम इससे क्या सीख सकते हैं. सबसे पहले उंगली उठ रही है कि देखो क्या लिखा हुआ है. सेम थिंग हैपेंड विद तंत्र. तंत्र भी ओवर टाइम लोगों ने उसका लक्षणा, उसका व्यंजना सब कुछ छोड़ दिया. वो अभिधा में फंस गए कि देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें तो मांस लिखा हुआ है, इसमें मदिरा लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है. पर उसके पीछे के जो इतने इंटेलेक्चुअल मतलब है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास ही रह गए जो अध्ययन कर रहे हैं, और सिर्फ जो पढ़ कर आगे पास आउट कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम में एक बहुत जनरल कंटेंट है जो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सारे मतलब उसकी वजह से धूमिल हो गए. तो तंत्र अगर आप बहुत बेसिक में समझना चाहें, वो आपके जीवन के मैकेनिज्म को समझाता है. जीवन का मैकेनिज्म एज इन कि अगर आप योग वाले पार्ट में देखें, तंत्र को योग वाले पार्ट में, उसमें आपके अंदर शक्ति कैसे रिसाइड करती है, आपके अंदर शिव कैसे रिसाइड करता है, आपकी शक्ति को आपके शिव से मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ अगर आप तंत्र को बेसिक से देखेंगे ना, सब कुछ सांस पर डिपेंडेंट बताता है तंत्र. कि हंसह क्या होता है, सोहम क्या होता है, बस आपकी सांसें हैं. आप सांस पर कंट्रोल कर लोगे, आपको चंद्रमा की कलाएँ भी समझ में आ जाएंगी, आपको सूर्य ग्रहण समझ में आ जाएगा, आपकी बॉडी में सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है आपको वो समझ में आ जाएगा. सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सांस से रिलेटेड है. और वो कहते हैं सांस लेते रहो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा. शंकर भगवान पार्वती से यही कहते हैं कि आप सांस लेते रहो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा. बस शंकर भगवान ने तंत्र समझाया है और माता पार्वती ने उसको जगत में प्ले आउट किया है. दैट इज द बेसिक्स ऑफ तंत्र फॉर यू. मैकेनिज्म कैसे, कि अगर हम संस्कृत में या हिंदी में क ख ग घ सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको तंत्र में ये पता चलता है कि वो क ख ग सिर्फ और सिर्फ कोई रैंडम लेटर्स नहीं है. उनके पीछे वो क्या तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हर एक वर्ण का, हर एक स्वर का, हर एक व्यंजन का एक तत्व होता है. जो पांच तत्व हैं उनमें से एक एक हर किसी को असाइन करे गए हैं. तभी तंत्र में इतने सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है. वेदों में भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है. क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के तत्वों को कॉन्स्टेंटली उनको चार्ज करते हुए वो चीज़ बोल रहे हैं जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी उतना ही पॉजिटिवली इन्वोक करेगी जितना हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को. तो तंत्र के बारे में बोलते हैं कि जितने भी तंत्र के मंत्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक ज़्यादा ऊर्जा और एग्रेशन से बोले जाते हैं, क्योंकि वो रॉ होते हैं. जब आप वेदों में पढ़ते हैं तो वही जो मंत्र होते हैं उनको छंदों में लिखा जाता है. जैसे सबसे बेसिक छंदों मतलब सबसे बेसिक छंद होता है मीटर. अच्छा. जैसे आपने पोएम पढ़ी होंगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ऑस्कर वाइल्ड की, उनमें है ना राइमिंग स्कीम्स होती हैं. वैसे ही हमारे वेदों में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं वो छंद में लिखे गए हैं. अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, बृहती, पंक्ति, तो ये सब जो छंद होते हैं उसमें लिखा होता है कि इतनी इतनी लाइन होंगी और उस लाइन में उतने उतने वर्ड्स होंगे. जैसे कि अनुष्टुप, जितने भी हमारे पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, ये सब अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं. इनके जो श्लोक हैं और सारे मंत्र हैं तो उनको वैसे उसको बस विस्तृत कर दिया गया है. पर तंत्र में वो उतना ही रॉ कंसंट्रेटेड और बिल्कुल रिफाइंड होता है. कि हम अगर बोल रहे हैं ह्रीम, तो उस ह्रीम के अंदर पूरी सृष्टि का सारा तत्व है. पर उसी ह्रीम को हम जैसे तोड़ देते हैं. अब हम आगे इस बारे में और बात कर सकते हैं. जैसे कि श्री विद्या में एक 15 अक्षरों का मंत्र होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रक्स वाला होता है. उसको और छोटा करके हम दुर्गा सप्तशती में नवार्ण मंत्र के रूप से पढ़ते हैं. उसको और छोटा कर देंगे तो माँ का एक बीज निकल आता है. डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे कौन कितनी ऊर्जा की एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करना चाहते हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ होती जाती हैं. पर वो होती एक ही चीज़ है, जिसको विस्तृत कर सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल छोटा कर सकते हैं. अच्छा, वाओ वाओ. मतलब तंत्र के बारे में मैं जितनी इन्फॉर्मेशन रखता था उसमें मतलब तंत्र विद्या के वो हमेशा एक काइंड ऑफ सम्मोहित करने के लिए, हाँ, सम्मोहित करने के लिए और किसी को अपने वशीकरण चीज़ें करने के लिए बोला जाता है. लेकिन वहीं पे ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप जो आप बोल रहे हो कि वो विद्या ही एक अलग विद्या है, बहुत अलग विद्या है. तंत्र का जो सारा ज्ञान है वो शंकर भगवान ने माता पार्वती को दिया है. तो वो इतना सुंदर ज्ञान है कि भगवान बता
अगर आप तंत्र पढ़ने जाओगे ना, अगर आप बेसिक्स भी अगर आप किताब भी खोल के, पहली बात तो हर कोई तंत्र तक की किताब नहीं खोल सकता. ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने तंत्र की किताब खोली और हमारे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ, हमने बंद करी और वापस रख दी. तो पहली बात तो उसके लिए भी एक लाइफ की एक अलग ट्रैजेक्टरी होती है, हर किसी के लिए बंधी हुई है, सबकी नियति है, तो वो भगवान उसी हिसाब से उसी पॉइंट पर लेकर आते हैं जहाँ पर सब कुछ शुरू होता है. तो अगर आप नॉर्मली भी उसको बेसिक्स के रूप से भी देखते हैं ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि वही सारे राशि चक्र जो वेदों में वेदांग बताए जा रहे हैं, जो ज्योतिष हैं, उसमें जितने भी राशि चक्र हैं, जितनी भी कलाएं हैं चंद्रमा की, उसी से रिलेट करके ये बताया गया है कि कितने टाइप के राशि हो सकती हैं, राशि कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन कौन सी राशि से बिलोंग करता है, आपकी कौन सी राशि है और आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए जो आपके लिए फलीभूत होगा, जो आपके लिए मित्र बन के रहेगा, जो आपका शत्रु भी बन सकता है. हर मैकेनिज्म से चलती है. ऐसा नहीं है कि हमने देखा अरे हमें देवी का ये मंत्र अच्छा लगा हम पढ़ने लगेंगे. आपको तंत्र में ये बताया जाता है कि अगर आपको देवी का ये मंत्र लग रहा है कि पढ़ना चाहिए तो क्या आपके लिए फलीभूत होगा, डिपेंडिंग ऑन योर नेम, डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू वर बॉर्न, डिपेंडिंग ऑन द राशि, डिपेंडिंग ऑन द लग्न दैट यू हैव, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. वो पता नहीं अब क्या है, विकृति है कि दिमाग सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन सबसे पहले एड्रेस करता है या क्या करता है, पर मैंने जो तंत्र पढ़ा है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और कुछ भी नहीं है. हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ का. और मैं तो कहती हूँ कि जब से मैंने तंत्र पढ़ना शुरू किया तब से मेरे लिए पुराण बहुत ज़्यादा और ईजी हो गए, क्योंकि तंत्र में इतना सुंदर तरीके से योग का वर्णन है, बी इट आपके सात चक्रों का, सात चक्रों के देवी देवता क्यों हैं, उनका उनके अंदर उतने पेटल्स क्यों हैं, हर चक्र का एक वर्ण है और वो क्या डिपेक्ट करता है, आपकी सांसों को लेने का प्रक्रिया क्या है, आपकी नाड़ी क्या बता रही है. वही चीज़ अगर आप उठा के पुराणों में लगा दोगे तो शंकर भगवान माता पार्वती से ये क्यों कह रहे हैं, माता पार्वती कुबेर पे गुस्सा क्यों हो रही है, कुबेर की लेफ्ट आंख को क्यों फोड़ दिया उन्होंने, हर चीज का एक्सप्लेन. कुबेर की लेफ्ट आंख क्यों फोड़ दिया? अरे ये वाली कथा तो मुझे भी नहीं पता है, लाइक तंत्र में ही है ये? नहीं, शिव पुराण में है. शिव पुराण में? हाँ, बताने तो जब कुबेर ने तपस्या करी थी शंकर भगवान की, 10,000 वर्ष बीत गए और तब वहां पर कुबेर थे बनारस में, तो शंकर भगवान और माता पार्वती विश्वनाथ रूप में और विशालाक्षी रूप में उनके सामने दर्शन देते हैं, पर उनकी आँखों की मतलब क्योंकि कुबेर की जो आँखें वो नॉर्मल ह्यूमन दृष्टि वाली थी, वहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं, उनकी ऊर्जा उनकी डिविनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुबेर उनको देख ही नहीं पाते. तो सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ मुझको उस रूप में आइए कि मैं आपको देख सकूँ, या फिर आप मेरे को उतनी ऊर्जा दीजिए कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूँ. तो फिर भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं. तब जाकर जब कुबेर की है ना, सिर्फ एक जन्म की तपस्या नहीं थी, कुबेर पहले गुणनिधि नाम के एक ब्राह्मण के पुत्र थे जिन्होंने बहुत गलत कार्य करे, ब्राह्मणों जैसे कार्य तो नहीं करे थे, तो उनको उनके घर से निष्कासित कर दिया गया. उसके बाद वो राजा दम बने थे, एक मतलब तीसरे जीवन में आए थे तब जाके वो कुबेर बने. उस टाइम पे भी उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या करी. जैसे ही उन्होंने माता पार्वती को देखा ना, वो इतने ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे कि मैंने तीन जन्म लगाए, तीन जन्म में भी मैंने 10,000 वर्ष तपस्या करी, तब जाकर मुझे महादेव ने दर्शन करे. सोचो कि इनकी अर्धांगिनी बनने के लिए माता पार्वती ने कितनी तपस्या करी होगी. और वो ये सोचते सोचते उनकी तरफ देखने लगे, घूरने लगे कि क्या किया होगा इन्होंने, इन्होंने क्या ही किया होगा कि भगवान ने इनको अपने अंग में, अपने वाम अंग में ही समा लिया. तो जैसे ही सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं वो माता पार्वती की तरफ देखने लगते हैं. अब यहीं पे आती है व्यंजना कि पुराणों में लिखा रहता है कि माता पार्वती ने कहा कि ये कैसा दुष्ट बालक है जो मेरे को घूर के देख रहा है, उन्होंने लेफ्ट आंख फोड़ दी. पर अगर उन्हें फोड़नी ही होती, क्योंकि बालक देख रहा था, तो दोनों आंख क्यों नहीं फोड़ी? एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बैठता है, क्यों नहीं फोड़ी? अब ये बात थी कि कुबेर जो है वो निधियों के स्वामी हैं, आपको निधियाँ देते हैं. निधियाँ क्या हैं? जितने भी हमारे जो धन है उसको कैलकुलेट करने के जो यूनिट्स होते हैं वो निधि होती हैं, जिसके स्वामी कुबेर हैं. तो जब शंकर भगवान उनको समझाते हैं, जब उनकी लेफ्ट आंख चली जाती है, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ क्यों लेफ्ट आंख चली जाती है, तो शंकर भगवान कहते हैं कि इसने मेरी तपस्या करी है पर ये तुम्हारी तपस्या का गुणगान कर रहा है, ये तुम इसको अपने पुत्र के रूप में एक्सेप्ट करो. तब माता पार्वती उन्हें निधियाँ देती हैं. बट द होल पॉइंट वॉज कि कुबेर के पास इतनी बड़ी ड्यूटी थी, इतना बड़ा पदवी थी संभालने के लिए, कि ही कुड नॉट हैव टू पर्सपेक्टिव्स. कुबेर के बाद कोई जजमेंट नहीं हो सकता था, कुबेर के साथ कोई शुभ अशुभ नहीं हो सकता था, सिर्फ एक दृष्टि होनी थी जो कि थी योग की दृष्टि. और लेफ्ट आंख क्यों? क्योंकि वो वाम अंगी थी. हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो सिर्फ लेफ्ट एंड पार्ट से होते हैं हमारी बॉडी के.
अगर बॉडी की लेफ्ट नाड़ी चलती है तभी सारे शुभ कार्य करे जाते हैं, ऋषि मुनियों ने नाड़ी विज्ञान इतना बड़ा बताया, पर उसको शॉर्ट में मैं इतना बता सकती हूँ कि जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो लेफ्ट नाड़ी के चलते समय किए जाते हैं। तो वो शुभ अशुभ का भेद, जीवन को दो दृष्टियों से देखने का भेद, अगर आप नॉर्मली भी अपनी एक आँख बंद करते हो तो आपको एक डिफरेंस दिखता है डायरेक्शन में, आपको दोनों आँखों से सेम डायरेक्शन नहीं दिखता है, एक एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। तो उसका भेद हटाने के लिए क्यों, क्योंकि तुमको निधियों का स्वामी बनना है, तुम बीच में लोगों के भेद नहीं कर सकते कि ये शुभ कार्य करेगा ये अशुभ करेगा, जो तपस्या करेगा जो उसके लिए योग्य होगा उसको ही वो निधि मिलेगी और किसी को भी नहीं मिलेगी। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन था उस बात का, एक्चुअल में शायद से आँख भी ना फूटी हो, पर हमें बताने के लिए कि हम भेद नहीं कर सकते जब हम इतनी बड़ी पदवी पे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब उनकी आँख फूटी है। हाँ, मतलब ऐसी कथाओं में बताया जाता है, ऑब्वियसली असली में नहीं हुआ होगा, पर कथाओं में ये बताया जाता है कि माता पार्वती ने उनकी लेफ्ट आँख को इसलिए विकृत कर दिया, और कुबेर का रूप भी इसी रूप में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुबेर के पास इतना बड़ा साम्राज्य है संभालने के लिए, लोगों के लिए काम करने वाले हैं वो, ऐसा नहीं है कि वही निधियों के स्वामी बन गए और अपने पास ही रखेंगे, बट लोगों को भी तो उनको ही देना है, वो नहीं कर सकते पार्शल, ना पार्शल हो सकते, ना कोई पक्षपात कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुबेर जी यक्ष है ना? हाँ। और यक्ष भी दानवों के ही भाई हैं, सॉर्ट ऑफ है ना? हाँ। और इस मतलब इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विवाद होता है कि कुबेर जी को दानवों की तरफ से देखा जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना ज़्यादा सम्मान है, और क्योंकि एक वो बोलते हैं कि कितना ज़्यादा, क्योंकि बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी अकेले नहीं आते, कुबेर जी अकेले नहीं आते, दोनों आएंगे तो साथ में आएंगे, तभी दिवाली के टाइम पे भी हम कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बट वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। एक मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में, हमने ब्रह्मा जी के बारे में बात करी और कथाओं के बारे में बात करी, तो एक बहुत बड़ा विवाद और एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन लेकर आते हैं सारे के सारे कि ब्रह्मा, अब समझ गए, ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती की जो कथा है कि शुरुआत में ब्रह्मा जी जब सृष्टि की संरचना करते हैं, उसके बाद अपने जब पुत्र और पुत्रियां बनाते हैं, उसमें जब वो माता सरस्वती को लेकर संध्या, हाँ जी, पुराण में आपको संध्या मिलती है। अच्छा, जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी थी, तब जब कामदेव आए थे, कामदेव का बाण लगने की वजह से वो संध्या को देखकर मोहित हो गए थे, हाँ जिसकी वजह से उन्होंने कामदेव को भी श्राप दिया था कि तुम भी भस्म हो गए और आगे जाके वो भस्म होते हैं शिव जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। द होल पॉइंट इज कि हम यहाँ पर ब्रह्मा जी को एज इस सृष्टि चार मुख वाले, जो कि हाथ में कमंडल लिए, अक्षमाला लिए या फिर एक पद्म पे बैठने वाले, उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। जब हम पुराणों को अपने आप को समर्पित करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आप हमें सिखाओ, आप हमें ये मत, हमारी विकृतियों को फीड मत करो कि हमारे पास ऑलरेडी विकृति है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, और ज़्यादा उसमें पुराण ऐड कर रहा है कि देखो ब्रह्मा जी ने और क्या किया। हमें पुराण सिखाएंगे और हम पुराण से वही बोलते हैं। द होल पॉइंट वॉज कि अगर आज की सृष्टि में एज अ क्रिएटर, चाहे वो माँ बाप के नज़रिए से देखो, चाहे आप खुद एक क्रिएटर के नज़रिए से देखो, कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर ऑब्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इस समाज में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसके पीछे ऑब्सेस नहीं हो सकते, वो जिस दिशा में जाएगा आप उसका पीछा नहीं कर सकते। माना कि आपने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, पर किसी को वो पेंटिंग अच्छी लगी, आपको उसे सौंपना पड़ा और उसने आपको बहुत अच्छे से कंपनसेट भी किया, पर क्या आप पीछे पीछे जाओगे कि तुमने इसमें फ्रेम कौन सा लगवाया, इसमें वार्निश कौन सी लगवाई, कौन सी दिशा में टांगा तुमने उसको? नहीं नहीं, तुम इसके बहुत कुदर कर रहे हो, लाओ मुझे वापस दे दो। आप नहीं कर सकते ना। सेम, ये तो बहुत छोटी बात है, अगर आप माँ बाप के रूप से देखो कि एक ब्रह्मा एक माँ भी होती है, राइट? एक माँ एक ब्रह्मा वही क्रिएट कर रहे हैं हमारे अपने बच्चों को, वही क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी पेरेंटिंग है जो कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा क्लाउड कर देते हैं अपने ममत्व से या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से, कि बच्चे इवॉल्व ही नहीं कर पाते, बच्चे घुट कर रह जाते हैं। हर जगह बच्चों को छोड़ना पड़ेगा उनके खुद के एक्सपीरियंसेस के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के अंदर समझदारी है, पर समझदारी वैसे ही आएगी। मेरे माँ बाप ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया, बट घोटा नहीं हमको कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सही है और कुछ भी नहीं सही है। They were very inclined towards us having our own experiences, क्योंकि उनको भी पता है कि हमें अकल तभी आएगी
वो कितना ही बोलेंगे बेटा वो गर्म है उसको मत छुओ, जब तक हाथ उससे चुप नहीं होगा तब तक पता नहीं लगेगा। तो वही सेम चीज वो कथा बताती है कि अगर आपका एक क्रिएशन है, अगर आपने संध्या अपनी पुत्री के रूप में बनाई है, तो आप संध्या की गृहस्थी को नहीं देख सकते, जहां संध्या जा रही है उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज के लिए संध्या बनाई गई है सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं बढ़ा पाएगी अगर आप ही उसका काम, आप उसके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। और आपका काम कौन करेगा अगर आप उसके पीछे पीछे घूमने लगेंगे? तो द होल कथा वॉज अबाउट कि आप मोहित होने का सेंस ये था कि आप अपनी क्रिएशन के पीछे पीछे नहीं घूम सकते। तो पुराणों की कथा आपको विकृति से दूर ले जाने के लिए बनी है, विकृति को फीड करने के लिए नहीं बनी है। क्या कहो कि ब्रह्मा जी ऐसे हैं और हमने उसमें और ऐड कर दिया कि ब्रह्मा जी ने तो उस कथा में ये भी किया था तो वो और ज़्यादा ऐसे हैं। वाओ। और इसके बाद कामदेव के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि शिव जी आते हैं और वो उनको डांट लगाते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, ये सब जो भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यार अगर शिव जी इस संसार में एक आदि योगी बन के घूमेंगे तो फिर इन्हें प्रेम भाव कैसे समझ आएगा, और ये अगर सभी को बोलते रहेंगे कि यार प्रेम में नहीं पड़ना है, या फिर पुरुषों को बोलेंगे कि मोहित मत हो, या फिर तो फिर कामदेव की की वैल्यू नहीं रहेगी और आगे सृष्टि कैसे चलेगी। तो जो इस कथा के बीच का जो मेन पार्ट था वो ये था कि जब शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो कामदेव की एशेज में से भंडासुर निकला था। भंडासुर की कथा बताए आपको? भंडासुर की बताओ। भंडासुर इस, क्योंकि आप सोचो कि कामदेव सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स को नहीं डिनोट करता, हर चीज़ का डिज़ायर, काम करने का डिज़ायर, सुबह उठने का डिज़ायर, अपने आप को हाइजीन की तरह हाइजीन से रखने का जो डिज़ायर है, खाने का डिज़ायर है, कुछ अच्छा क्रिएट करने का डिज़ायर है, हर कुछ कामदेव रिप्रेजेंट करता है। काम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल उसमें नहीं देखा जाता। हाँ, कामदेव से क्योंकि डिज़ायर आया तो वो सृष्टि करने का एक डिज़ायर आया ना कि मुझे आगे सृष्टि बढ़ानी है, वो कामदेव है, पर वो भी एक डिज़ायर का पार्ट है, ये नहीं कि सिर्फ सोली वही है। तो जब कामदेव को भस्म कर दिया गया तो उसकी राशि से जो भंडासुर निकला वो भंडासुर ये रिप्रेजेंट करता था कि किसी के पास किसी भी प्रकार का डिज़ायर नहीं होगा, ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस होगा, ब्लैकनेस होगा, क्योंकि हर कोई एक बहुत ही चेतनाहीन सी जीवन जीने लगेगा कि मेरे पास कोई कार्य करने के लिए नहीं है। कोई एनर्जी नहीं आएगी, कोई एक स्फूर्ति नहीं आएगी करने के लिए। हाँ जी। तो जब भंडासुर अपना, उसने इतना बड़ा साम्राज्य बढ़ा लिया कि मैं मतलब इसकी एशेस से निकला हूँ और मेरा ही सब कुछ है, उसने सारे देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। और जैसे ही सारे देवता पराजित होने लगे तो इंद्र ऑब्वियसली थोड़े परेशान हो गए कि अब क्या होगा भैया, मेरा तो राज्य चला गया। तो अब इस बात की सीरियसनेस इससे पता चलती है कि जब भंडासुर का वध करने के लिए माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य हुआ था, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी भंडासुर को मारने के लिए ही उन्होंने प्राकट्य लिया था। और जैसे ही उनका युद्ध हो रहा होता है ना, तो भंडासुर इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि कामदेव की आशीष से था तो इतनी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता था कि भंडासुर ने उस युद्ध क्षेत्र में अनंत ब्रह्मांडों के सारे जितने भी अभी तक हम नेगेटिव रोल में दानव और असुर देखते आए हैं ना, चाहे वो रावण हो, कंस हो, शिशुपाल हो, या फिर हयाग्रीवासुर हो, अपना हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, इन सबको वहाँ पर ला के मैदान में खड़ा कर दिया था, सबके सब। ये इतनी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता था कि एंड होगा हर चीज़ का, धर्म की स्थापना कहीं भी नहीं हो सकती, काम है ही नहीं सृष्टि में, ना धर्म आगे बढ़ेगा, ना ज्ञान आगे बढ़ेगा, ना मोक्ष आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी होगी। फिर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने नाखूनों से वहाँ पे अनंत कृष्णों को, अनंत रामों को, अनंत वराह भगवान को, अनंत नरसिंह भगवान को प्रकट करती हैं, और फिर उनका युद्ध होता है, फिर माता उनको करती है, और फिर वो कामदेव को अपनी आँखों में बसाती हैं, और फिर वो माता पार्वती के रूप में आकर शंकर भगवान से विवाह करती हैं। तो द मेन कंसर्न ऑफ ब्रह्मा जी की मेन कंसर्न उस चीज़ को लेकर कि ये तो आदि योगी हैं, अगर ये विवाह नहीं करेंगे तो कैसे होगा, द होल पॉइंट वॉज कि काम सृष्टि में नहीं होगा तो कैसे होगा। तो वो योगी के साथ माँ आती है, वो आदि योगी के साथ उनकी वाम अंगी आती हैं जो कि माता पार्वती हैं, अपनी आँखों में काम को बसा कर, इसी वजह से उन्हें कामेश्वरी भी कहा जाता है क्योंकि उनके आँखों में कामेश्वरी। वाओ।
तो फिर इसके बाद ये वाली सिचुएशन भी तो होती है कि जब कामदेव की जो पत्नी थे हाँ, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि आपने मेरे पति को पति को भस्म कर दिया है। और उस टाइम पे माता रानी उसके बाद शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी को जब जब वो भस्म कर देते हैं तो वो शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी उनको माता बता रानी देते उनको हैं। बोलते हैं कि भाई ऐसे वैसे ये सिचुएशन हो गई है, हम इसलिए आपको बुला रहे थे। फिर उसके बाद जाके बाकी पूरी की पूरी कथा चलती है, जिसमें हम बोलते हैं कि जब हमारे घर पे माता रानी की जब कथा चलती है, मतलब शिव पुराण के बारे में जब कथा चलती है, तो उसके बाद वो सारी की सारी कथा आती है। 8-9 दिनों की जो भी कथाएं होती हैं वो उसमें कॉन्वर्सेशन में आती है। पर वो ये था कि शंकर भगवान ने उनको कहा था कि जब कृष्ण भगवान अपना अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव फिर से कामदेव के फिर सृष्टि, से जीवित प्रद्युम्न होंगे। के रूप में वो आए थे। प्रद्युम्न था अच्छा, ना हाँ हाँ कृष्ण, हाँ हाँ, हाँ हाँ तो वो हाँ हाँ प्रद्युम्न के रूप में आए थे और फिर उन्होंने सब कुछ बताया था। वो उनकी हेल्प करने के तौर पे ही वहीं पर रहती थी रति, और फिर जब वो बड़े हुए थे तो रति ने अपना नॉर्मल रूप किया और फिर वो कामदेव को लेके चले गए थे। प्रद्युम्न की वो वाली कहानी पता है, जब वो उन्होंने एक जब बेसिकली यादव वंश ख़त्म होने वाला था, तो फिर उस टाइम पे प्रद्युम्न ने और उनके आसपास के दोस्तों ने उनके साथ संतों के साथ एक काइंड ऑफ मजाक किया था हाँ, कि वो जो गर्भ पेट, हाँ में गर्भ, लोटा था शायद से हाँ कोई कुछ ऐसा पात्र था, था। हाँ हाँ, हाँ वो भी कितनी कि इंटरेस्टिंग तुम्हारा कहानी है वंश उससे ना। ही खत्म होगा, और फिर वो जाता है एक शिकारी के पास, टूटता है, फिर वो एरो बनाता है और फिर वो कृष्ण भगवान के जो पैर में एरो हाँ लगता है जी, वहाँ। तो कितना सारा बहुत इंटर रिलेटेड है। एवरीथिंग इज इंटरलॉक्ड एंड इंटर रिलेटेड। आप पता है, अगर आपको भगवान का तत्व समझना है तो आप किसी भी एक पुराण को उठाकर अपना जीवन उसको समर्पित कर दो। एक गीता नहीं है, बहुत सारी गीता हाँ हैं, जी, एक पुराण नहीं है, बहुत बहुत सारे सारे पुराण हैं, पुराण हैं। एक वेद नहीं है, बहुत सारे वेद हैं। आप किसी भी एक पुस्तक को, एक शास्त्र को अपने जीवन में उसको गाइडिंग कंपास बना लो, उसको समझ लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। पर अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि जिज्ञासा को खत्म करना है कि कहाँ से निकला क्या, सिर्फ एक पुराण एक टाइम पे पढ़ के काम नहीं चलेगा, साइमल्टेनियस अध्ययन करना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, तंत्र का, सबका अध्ययन मायने होता है। अगर आपको अपनी उस जिज्ञासा को कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और ये पहले कब हुआ, आपको पता है इस पॉइंट पे मेरे पास है ना अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं कि इस कलर का नोट पैड अलग होता है, इंडेक्स कार्ड अलग होते हैं, सब कुछ होता है। मैं ना वंशावली बैठ के हर एक कल्प के हिसाब से, हर एक मनवंतर के हिसाब से बैठ के वंशावली बनाती हूँ। बहुत अजीब लगता है, मेरी मम्मी आती है बोलते है, बेटा इतना नहीं घुसना था। अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो घुस गए। वो पर्टिकुलर किसी कल्प का कुछ चल रहा है, इक्ष्वाकु के कौन से पुत्र हुए, इसमें कथा में ये क्यों है, इसमें क्यों है, फिर इसमें क्या सप्तऋषि है, खो जाते हैं स्टोरी पता में। है, तो ही मेरे को सनातन इतना ज़्यादा सनातन लगता है। सनातन का मतलब ही सनातन जो अनंत है, कि अगर किसी कोई स्टोरी राइटर है मान लो, तो और वो लिखना शुरू कर देता है, तो इतने किरदार, हर किरदार की अपनी कहानी, हर कहानी के अंदर किरदारों के अंदर की क्या कहानी, कहानियाँ, और उसके बाद अमेजिंग। पता लगता है कि लास्ट में हमारे सिर्फ 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और और एक महेश। पॉइंट के बाद वो भी धूमिल होना शुरू हो जाता और उसके बाद है। जो उसके बाद शिव पुराण ने बताया कि आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे मैंने पढ़ा था, कि ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, उसके ऊपर माँ शक्ति माँ आते शक्ति आती है, हैं, जो देवी भागवत। हाँ हाँ देवी भागवतम में, जिसमें बोलते हैं कि जो कूष्मांडा, कुष्मांडा अवतार ठीक है। की कथा यही है ना, कि उनके लाइक हाथ में जो होता है वो एक अंड का रूप होता हाँ है। जी, हाँ, तो बोलते हैं कि हिंदुइज्म के मतलब हम सारे आज की डेट में एक थ्योरी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी की ही सिमिलर एक कहानी हमें मिलती है इन्हीं 9 दिनों में कुष्मांडा के रूप में। तो फिर आप बता सकते हैं कि लाइक इस ब्रह्मांड की, हमारे ब्रह्मांड की, हमारे देवों के, हमारे वेदों के हिसाब से इस ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई? कैसे इस ब्रह्मांड की संरचना शुरू जहाँ से हुई है वो यही है कि एक निराकार एनर्जी है, जो कि हम बिग बैंग में भी पढ़ते हैं कि एनर्जी रिसाइड्स इन दिस यूनिवर्स एंड दैट एनर्जी इज सो डायनेमिक, इट्स सो डायनेमिक दैट इट स्टार्ट्स इवॉल्विंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है,
उसने अपने आप को एक इच्छा, एक ज्ञान और एक क्रिया में बांटा, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, काली कहते हैं। वो तीन प्रकार की ऐसे शक्तियाँ हैं जो अपने आप को इच्छा, ज्ञान और क्रिया में बांट रही हैं, जो कि एक तरफ से ज्ञान दे रही हैं, एक तरफ से संरचना कर रही हैं और एक तरफ से विनाश कर रही हैं। विनाश का अर्थ ये नहीं होता, विनाश का अर्थ ये नहीं है कि हर जगह तबाही तबाही है, डिसोल्यूशन हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमें समझ में आता है, क्योंकि योग का ज्ञान कौन देता है? शंकर भगवान, महाकाली, हाँ जी, डिस्ट्रॉयर भी उन्हें कहा जाता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी है ना, उन सब के बैरियर्स वो दोनों ही तोड़ते हैं। शंकर भगवान ही जीवन के सारे बैरियर्स तोड़ते हैं। जब आप शंकर भगवान की पूजा करने जाओगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो सच था भी, क्योंकि ये सब तो तोड़ना पड़ेगा मुझे इनकी बात को समझने के लिए। तो वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि अपने आप को अलग अलग रूप से करती है। और वैसे ही अगर हम अपने नॉर्मल सनातन का लिटरेचर पढ़ते हैं, तब भी हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर वहाँ पर आए, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे क्रिएट करनी शुरू करी, कि वो एनर्जी जो कि सप्त ऋषियों के रूप में आ रही है, वो निरंतर रूप से अलग अलग तरीके से बट रही है। कि अगर कश्यप हैं, तो कश्यप की एक पत्नी जो है वो चिड़ियाओं को या फिर सारे सांपों को बना रही हैं, जो कद्रु हैं, विंता हैं, सब हैं। उसके अलावा एक हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों को बना रही हैं, आसपास पेड़ों को बना रही हैं। तो बात यही है कि वो एक एनर्जी इतनी डायनेमिक है कि वो चल रही है, फूट रही है, अलग अलग चीज़ों में बढ़ती चली जा रही है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है और बदलती चली जा रही है। सब कुछ एक्चुअल में रिलेट होता है हमारे साथ में। पर अगर आप ये कहो कि यहाँ पे ABCD लिखा है, तो हमें शास्त्रों में भी ABCD दिखाओ, नहीं, आपको लाइनों के बीच में ABCD मिलेगा, बस पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वाओ वाओ, हम नवरात्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन नवरात्रों के पास जाने से पहले मैं महादेव, शिवजी और माँ पार्वती बोलूं या फिर माँ लक्ष्मी बोलूं, सॉरी माँ पार्वती बोलूं या माँ शक्ति बोलूं, वो आप हमें बताएं। लेकिन माँ शक्ति और महादेव के प्रेम के बारे में आप कुछ बताइए। प्रेम के बारे में, इनका प्रेम ऐसा है कि आप एक को है ना, दूसरे के बिना समझ ही नहीं सकते। आप जाओगे एक पॉइंट पे, महादेव को समझ, सब कुछ समर्पित कर दोगे, पर जब आप टेक्स्ट में महादेव को समझने जाओगे ना, कि महादेव आप इतने ग्रेट क्यों हो, आपकी कथाएं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, आपने तारकासुर का वध क्यों किया, आपने त्रिपुरासुर का वध क्यों किया, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो जब आप उसके मैकेनिक्स में जाते हो ना कथाओं के, तो महादेव है ना ऐसे करके आपको खिसका देते हैं माता शक्ति की तरफ, कि है ना पहले जाके ना शक्ति समझ के आओ, उसके बाद में से बात करना। उसके बाद जब शक्ति के पास आते हैं ना आप, तो माँ शक्ति दिखाती हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, महादेव ये रहे, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो महादेव मेरे सिंहासन के ऑलमोस्ट मेरे पिलर बन के बैठे हैं अपने पंचानन रूप में, मैं महादेव के ऊपर बैठी हूँ और महादेव जो है वो शब समान है। तो आप देखते हो कि महादेव ने कहा कि शक्ति के पास जाओ, शक्ति कह रही है कि महादेव उनके बिना कुछ नहीं है, और महादेव भी ये बात कह रहे हैं, शक्ति ये बात कह रही है, शक्ति कह रही है महादेव नहीं होंगे तो मैं नहीं होंगी। तो जब इन दोनों के प्रेम की बात आती है, ये इतना अटूट प्रेम है कि पुराणों की कथाओं में आपको ये पता चलता है कि इनका प्रेम ऐसा भी है जो कि एक गुरु शिष्य का रूप ले रहा है, और इनका प्रेम ऐसा भी है जो कि एक दूसरे की चेतना और शक्ति वाला भी रूप ले रहा है। जहाँ पर अगर माता पार्वती शंकर भगवान से बाहर आके खड़ी हुई है, तो शंकर भगवान ऑलमोस्ट एक शव बन चुके हैं। एक ये रिप्रेजेंटेशन जो है कि शंकर भगवान नीचे शव की तरह लेटे और माँ काली ऊपर है, उसका अर्थ ही ये कि अगर शिव में से उनकी ई, उनकी शक्ति चली गई और वो शक्ति अलग आगे खड़ी हो गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ शव समान ही है। और अगर दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अगर माता सती दक्ष के यज्ञ में जाती हैं, यज्ञ जो है वो उसका विनाश होता है, माता सती योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लेती हैं, शंकर भगवान फिर से समाधि में चले जाते हैं। ऐसी समाधि जो सालों साल चल रही है, इंद्र आ रहे हैं या फिर कामदेव आ रहे हैं, बाण चला रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो समाधि ही शब समान है, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है उनके आसपास कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि वो शक्ति के बिना अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। वैसे ही शक्ति शिव के बिना अपूर्ण है। और ये रिलेशन ऐसा है कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि माता पार्वती बहुत जिज्ञासा से भगवान से पूछ रही है, तो बोले ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तंत्र में लिटरली यही होता है कि माता पार्वती इतने प्यार से उनसे पूछते हैं और शंकर भगवान कहते हैं वामंगी मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उनका जो
बहुत ही एक फिजिकल क्रक्स वाला है, वो आपको ये दिखता है कि जो शंकर भगवान को पता है वो उनको बता रहे हैं और माता पार्वती वो करके दिखा रही है कि शंकर भगवान उन्हें बोल रहे हैं कि तुम 10 महाविद्या का रूप हो, तुम ही शक्ति हो इस जगत की, तुम ही काली बनोगी, तुम ही तारा, तुम ही ललिता त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी भैरवी बगला मुखी धूमावती भुवनेश्वर सब कुछ तुम बनोगी, और माता वो करके भी दिखा रही हैं। तो उनका कुछ प्रेम ऐसा है कि शंकर भगवान जो मुख से बोलते हैं वही शक्ति है, शंकर भगवान जो अंदर से हैं वो शक्ति बाहर आपको सामने दिखती है, शंकर भगवान जिसका वध करना चाहे कर सकते हैं पर शक्ति करती हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर ही समाहित हैं। शंकर और शक्ति कुछ भी कर रहे हैं वो आपस में आप ऐसा ही समझो कि वो कर रहे हैं इज इक्वल टू वो कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू ए जैसे मैथ्स में करते थे ना, वो बन गया सेम हो गया हेंस प्रूफ खत्म। तो इनके प्रेम का गुणगान, इनके प्रेम की कथाएं असीमित और उससे ज़्यादा प्योर और पायस कुछ हो नहीं सकता, एटलीस्ट मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। और मेरे लिए तो जैसे हम बड़े होते हैं मूवीज़ देखते हैं लोगों की कथाएं सुनते हैं, मेरे लिए तो इन्हीं कथाओं ने ना सारे बैरियर्स तोड़ के एक बहुत ही सुंदर सा बैरियर सेट कर दिया है कि ये होता है, गलती भी करने वाले हैं हम, सीखने भी वाले हैं, और यही प्रेम होता है कि गलती करो पर साथ में सीखो भी, दूसरे को इतनी इज्जत दो कि अगर तुम कुछ बन चुके हो इतना बड़ा तो वो सामने वाला सौम्यता से भी तुम्हारे साथ में रहे और तुम्हारे रूप के बराबर रूप धारण करके भी तुम्हारे साथ में रहे। तो इट्स कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन, इट्स कॉन्स्टेंट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जो कि ये दोनों हर कथा में बताते हैं। kind of speechless. पता है मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि एक्चुअली में ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ हो नहीं रहा, असल में महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और उस कथा में पूरा का सारा ब्रह्मांड, सारे कल्प और सारे के सारे मनवंतर आ रहे हैं। मतलब काकभूषण डी जी की कहानी भी वो है। लेकिन ठीक है, महादेव और माँ पार्वती के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो असीमित बातें हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा हमारी डायरेक्शन को इधर लेकर आने चाहता हूँ, जिसमें हम बात करना चाहेंगे नवरात्रों के बारे में। अब नवरात्रे असल में दो नहीं, चार होते हैं, छह भी बताए गए हैं पर चार होते हैं मेनली, छह भी बताए गए हैं, चार होते हैं जितना मुझे पता है, दो प्राकृत्य और दो गुप्त, दो गुप्त है ना। तो इन चार नवरात्रों के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। चार नवरात्रे जैसे कि हमने पहले के टाइम में सिर्फ और सिर्फ तीन से ही होते थे, आप समझ लो रामायण से पहले तीन हुआ करते थे, दो जो गुप्त हो रहे हैं हमारे माँ तांत्रिक जितनी भी गॉडेसेस हैं हमारी माता महाविद्याओं के बारे में, और उसके बाद जो माने नौ रूप रखे नवरात्रे वाला जिनको हम पूजते हैं शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी उनके। बट सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि ये जो करंट नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, जो आने वाले हैं, चल रहे हैं, उनकी जो कथा है वो सबसे पहले अकाल बोधन से शुरू होती है। अच्छा, ठीक है, जब युद्ध चल रहा था रामायण का, राम जी को ऐसा लगा कि मतलब ये कथा ही है, ऑब्वियसली राम जी इतने पुरुषोत्तम थे, रावण को मार सकते थे, सब कुछ हो सकता था, क्योंकि कथा को ऐसे फ्रेज करना था और पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा लेसन देना था कि शक्ति क्या होती है। तो फिर राम जी को ऐसा लगा कि मैं मनुष्य हूँ और ये इतना बड़ा दानव असुर है मेरे सामने जिसने अमरता को प्राप्त कर रखा है, इसके नेवल में अमरता है, सब कुछ है। तो ये आपको कथा मिलती है कृतवास रामायण में, वैसे बंगाल रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है, तभी माँ की जो वो नवरात्रे हैं वो उस साइड में बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, राइट। तो राम जी कहते हैं कि अब कैसे होगा, मुझे तो नहीं लगता कि मैं युद्ध जीत सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी आते हैं, नारद मुनि को भेजते हैं कि आपको माँ की पूजा करनी पड़ेगी, माँ शक्ति की। तो भगवान कहते हैं कि नवरात्रि का तो ये टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको 9 दिन के व्रत रखने पड़ेंगे और फिर आपको रावण को रावण से युद्ध करना होगा, तभी उसका जो है खात्मा होगा, सो होगा। श्री राम ने 9 दिन के व्रत रखे जो कि हम नवरात्रि के रूप से देखते हैं आज के टाइम में। अब क्योंकि माँ को इन्वोक एक बहुत ही डिफरेंट टाइम पर किया गया, क्योंकि माँ के दिन थे नहीं है, फिर भी उनको इन्वोक किया गया, तो उसको अकाल बोधन कहा गया कि जो बिना अनटाइमली बोधन करा गया माँ का, तो अकाल बोधन। तो इन नवरात्रों को हम ये कहते हैं कि अकाल बोधन हुआ था माँ का और इसीलिए ये मनाए जाते हैं। अब इसकी कथा इतनी सुंदर है
कि भगवान ने जब माँ की पूजा करी थी तो उसका जो पूरा प्रक्रिया थी वो ये थी कि उनको 108 नीले कमल चढ़ाने थे माँ को पूजा के एंड में 9वें दिन पर। हाँ जी। जैसे ही उन्होंने 9 दिन के व्रत रखे, पूजा समाप्ति चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, अचानक से माँ उनका टेस्ट लेती हैं। ठीक है, ये सब हो रहा है जब वो युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ओके, उन्होंने बीच में व्रत रखे हैं। ठीक है, युद्ध चल रहा है, बीच में व्रत रखे हैं, और माँ ने सोचा कि इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। उन्होंने 107 कमल चढ़ा दिए थे और मुहूर्त निकला जा रहा था, क्योंकि अकाल बोधन थी तो मुहूर्त भी बहुत छोटा सा ही ब्रह्मा जी ने बनाया था। जैसे ही 107 कमल चढ़ा दिए, 108वां उन्होंने निकाला साइड में से, माँ ने वो छुपा दिया था। और श्री राम देखते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तो मैं हनुमान को भी नहीं बोल सकता कि जाकर एक ले आओ। तो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई है, राम की शक्ति पूजा, पढ़ना आप कभी, बहुत अच्छी कविता है। तो उसमें श्री राम को अचानक से बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं वो, सीता मैं तुमको नहीं बचा पाऊँगा, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, ये सब कितना वेस्ट हो गया है सब कुछ। अचानक से उनके दिमाग में एक मेमोरी आती है कि मेरी माँ मुझको बचपन में राजीव लोचन कहा करती थी। राजीव लोचन का मतलब राजीव मतलब लोटस, जिसकी आँखें लोटस जैसी हों। माता कौशल्या उनको राजीव लोचन कहती थी और उनकी आंखें ना नीले कलर की बताई गई हैं। तो वो तैयार हो जाते हैं कि मेरी माँ मुझको राजीव लोचन कहती थी तो मेरी आंखें जो है वो भी एक ब्लू कलर के लोटस जैसी ही हैं। तो जैसे ही अपना तीर पकड़ते और अपनी आंख निकालने को तत्पर हो जाते हैं, वैसे ही माँ आती है, उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि शक्ति अब तुम्हारे साथ है और सब कुछ ठीक होगा। 10वें दिन जो हम दशहरा बनाते हैं वो इसी कथा का पूरा आगे का पार्ट है कि भगवान ने 9 दिन पूजा करी, माँ उनके साथ आई और 10वें दिन दशहरा बना और रावण खत्म। तो इसलिए अभी ये वाले नवरात्र होते हैं। हाँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब कोई कैसे ना प्यार करे सनातन, मतलब कोई कैसे ना प्यार करे ऐसी कथाओं को। मतलब अगर आप शक्ति, मतलब आप ये देखिए कि श्री राम के पास, श्री राम कितने भी विष्णु भगवान का कितना भी सुंदर स्वरूप हो, कितने भी अंदर से दृढ़ हो, कुछ भी हो, पर उनकी जो साकार रूप वो रख कर आए थे इस सृष्टि में, वो हमको बताने के लिए आए थे धर्म की स्थापना कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है, अंधकार के ऊपर जो उजाला है उसकी विजय क्यों चाहिए हमको, सब कुछ हमें समझाने के लिए आए। तो हमारे लिए जैसे ही सीता माता उनसे दूर हुई तो एक रिप्रेजेंटेशन था कि उनके अंदर की शक्ति उनसे दूर हो गई थी, कि वो कहीं थे, उनके अंदर की शक्ति कहीं और थी, क्योंकि माता मूल प्रकृति है वो तो है ही ना, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की शक्ति ही तो है, उनकी श्री है, उनका श्रृंगार है। जब वो उनसे दूर हो गई तो उनको शक्ति की ज़रूरत थी, तो उन्होंने माँ को इन्वोक किया था कि माँ शक्ति मेरे जीवन में आओ, तब जाके ही मैं ये कर पाऊँगा। और इसलिए अकाल बोधन हुआ, तभी माँ को बंगाल रीजन में बहुत बहुत सुंदर तरीके से, मेरे को बहुत मन भी है जाने का, तो मैं कोशिश करूँगी। तो मेरे लिए नवरात्रे माँ के स्वरूप बाद में आते हैं, पहले मेरे लिए कथा आती है कि माँ क्यों ज़रूरी है भाई इस टाइम पर, कि हम सब इस पॉइंट पर इतना भटके हुए हैं इस जीवन में। हाँ जी। पहली बात तो मैथुनी सृष्टि में आए हैं, जिन भगवान ने मैथुनी सृष्टि बनाए हैं उन भगवान को भी मैथुनी सृष्टि में ही लपेट लिया है हमने, कि आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, हमारे जो पुरुष भगवान है ना वो ज़्यादा बड़े हैं, हमारी स्त्री नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिन्होंने मैथुनी सृष्टि बनाई है उनको ही मैथुनी सृष्टि के विकार में हमने फंसा लिया है। और पहले ही हम इस सब में इतना ज़्यादा बंध रहे हैं, पर माँ जो बता रही हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस सब के चलते हैं ना सब अपने अंदर की शक्ति से वंचित हो गए हैं। सब कोई उस पॉइंट पे, ये है कि रामायण का युद्ध चल रहा है और हम मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, बट हमारी शक्ति हमसे दूर है और हम उस शक्ति को बुलाने के लिए भी कॉन्शियस इनफ नहीं है कि हम ये रियलाइज करें, नहीं हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम शक्ति को इन्वोक करें। तभी इनका अध्ययन, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपनी टीडियस लाइफस्टाइल को छोड़ कर रामायण खोलिए पढ़िए, पर बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो कि आपको शक्ति से थोड़ा सा करवा सकते हैं साक्षात्कार, कॉन्शियस होना है बस। और ये नवरात्र बहुत अच्छा टाइम है कॉन्शियस होने के लिए, तो आई थिंक पीपल शुड ट्राई। मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, एक सेकंड रुकना बस। यार अब मेरे दिमाग में तो क्या आ रहा है अभी, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो ना भगवान राम वाली जो आपने कथा सुनाई ना, कि हाँ। वो कमल की आंखों को समझ के अपनी आँख निकालने वाला था, वो वाली लाइन बहुत अच्छी है वैसे, जब उनको याद आता है और माँ आती हैं फिर बोलने, वो कहते हैं कि यही है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण
पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन, कहकर देखा तू ऋण तू ऋण ब्रह्मरश ब्रह्मशर, सॉरी थोड़ा सा ना इसकी टेक्स्ट अजीब सा है, रहा झलक ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। उन्होंने हाथ आँख के ऊपर अपना अस्त्र धारण जो कर रखा था वो रखा और उन्होंने कहा कि ले अस्त्र वाम कर अपनी आँख को दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्घत हो गए सुमन, जिस क्षण बंद गया बेधन को हड़ हड़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धर धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर ज्योतिर्मय रूप हस्त दश, मतलब दस उनके हाथ थे अस्त्र सज्जित अस्त्रों से सज्जित थे, मंद स्मित मुख उनके मुख पर बहुत मंद मंद मुस्कान थी, लक हुई विश्व की श्री लज्जित, कि उन्होंने कहा कि भैया ये मैं तो ऐसी तुम्हारा टेस्ट ले रही थी ये क्या हो गया। तो फिर माँ लास्ट में कहती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो माँ जब आती है ना बहुत शक्ति लेकर आती, मतलब माँ आ गई तो सब आ गया। तो ये टाइम ऐसा होता है कि अगर आप कितने भी, पहली बात तो दशहरा का दिन आ रहा है तो ये तो है ही है कि ईविल के ऊपर कैसे अच्छाई की विजय होती है, सब होता है, पर अगर पूरे साल में आप कभी भी नहीं पूज पा रहे हैं, कोई भी रीज़न आ रहा है, ये 9 दिन इतने परफेक्टली टाइम्ड हैं कि इस टाइम पे भगवान की पूजा होनी भी नहीं थी तब भी करी गई क्योंकि निश्चय किया गया और वो कार्य हुआ। तो ये तिथियाँ कुछ ऐसी हैं कि अगर आप कुछ ना कर पाओ बस इन तिथियों में भगवान का स्मरण भी कर लो ना तब भी बढ़िया हो जाता है सब, लंका दहन हो जाएगा। वाओ, हम ईस्ट जाए, ईस्ट साइड हमने बोला कि माँ दुर्गा के बारे में बहुत ज़्यादा वो होता है, ईस्ट साइड में एक मंदिर आता है माँ कामाख्या का मंदिर। रिसेंटली मैंने एक रील देखी कि उसमें वो बता रहे थे कि माता रानी बलि क्यों लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक ऐसा तर्क दिया गया जिसे मैं सहमत तो नहीं था। तो फिर आप क्या आप हमें बता सकते हैं कि माता रानी बलि क्यों लेते हैं? आपका तर्क क्या था वैसे जो आपने जो दिया गया और आप सहमत नहीं थे उससे? कि माता रानी जी शेर पे बैठती हैं वो भी तो मांस खाता है, तो फिर उसके लिए शेर को कभी दूध पीते हुए देखा है? नहीं, वो तो मांस खाता है ना, तो माता रानी को भी मांस चढ़ना चाहिए, ये आई थिंक। हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। पहली बात तो जब माता रानी अपनी तपस्या में लीन थी, जब वो अपने उन्होंने माँ काली को अलग एक रूप दिया था और वो कौशिकी रूप से अलग से बाहर आई थी, तब एक शेर उनको देखता रहता था और वो शेर शायद से इसी पर्सपेक्टिव से आया था, आई एम नॉट श्योर, मैं कथा थोड़ी सी विस्मृत सी हो रही है, बट शेर उनके आसपास ही रहता था, पर माता की तेज से वो शेर इतना ज़्यादा माँ को देखकर उनके तेज में लीन हो गया था कि वो वहाँ पे भूखा बैठा रह गया था। वो शेर की भी एक कथा है कि वो एक पहले श्राप मिला था, शेर बन के आया था, जैसे कि भगवान गणेश का मूषक भी एक गंधर्व था जो कि श्राप के तहत आया था और मूषक बन गया था। सेम थिंग हैपेंड विद द शेर, उसने माता को देखा, वो इतना ज़्यादा देखने लगा कि इनका तेज क्या है, ये क्या तपस्या कर रही है और ये तो जगत की जननी है, इनको तपस्या करने की क्या ज़रूरत है और इनको प्रसन्न मैं कैसे करूँ, अगर ये जगत की जननी होने के बाद तपस्या कर सकती है तो मैं भी इनको अपने जीवन का एक गाइडिंग कंपस मानकर इनको ही घूरता रहूँगा। वो घूरता रहा, माँ तो वर्षों तपस्या में लगी रही, वो शेर भी वर्षों तपस्या में लगा रहा और वो इतना ज़्यादा भूखा रह गया उस टाइम तक माँ को प्रसन्न करने के लिए कि उसने कुछ नहीं खाया। और जब वो एंड में उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तब माँ अपनी तपस्या से उठी और उसको वरदान दिया कि आज से तुम मेरे वाहन बने। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि शेर ने कौन सा शिकार करके माँ को ला कर दिया कि माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा कि आज से तुमने शिकार करके मुझको ये दिया है तो मैं सबके शिकार जो है वो एक्सेप्ट करूंगी। मेरे को ऐसी कोई कथा नहीं मिली आज तक, और किसी को मिले तो प्लीज़ मेरे पास लेकर आना कि माँ ने कौन से शेर का कौन सा शिकार एक्सेप्ट किया था। ये आप कह रहे हो कि आज के टाइम में आपने शेर को शिकार करते हुए देखा, पर माँ के शेर ने शिकार नहीं किया। माँ के शेर ने शिकार किया किसका? उसका, महिषासुर का, कि महिषासुर जब भैंस के रूप में आया तब उसने माँ के साथ उसका शिकार किया। माँ कह रही है कि इसका मर्दन करना ज़रूरी है, तो माँ का शेर भी कह रहा है कि हाँ इसका मर्दन करना ज़रूरी है। दानवों को उसने चीरा
किसी भी ऐसे रैंडमली जाकर किसी पशु पक्षी को कभी नहीं खाया किसी का था हमें माँ के शेर ने, तो तुम अपनी विकृति को मतलब पता है आज के टाइम में हर चीज़ बहुत इजीली हो रही है, बस लोगों से त्याग इजीली नहीं हो रहा। तो वो जो अपना त्याग है ना कि अपने हृदय की सारी आकांक्षाओं का त्याग, अपनी बुद्धि के विकारों का त्याग, अपने हाथों के कर्म का त्याग, अपने पैरों के कर्म का त्याग, वो कैसे त्याग हो रहा है? किसी बकरे को बढ़ गया ले आए उसको त्याग करवा दिया, भाई तू मेरे बदले करते जा, माँ शायद से है ना सेम ही समझेंगी। कोई क्यों हिंसा, क्यों हिंसा, हिंसा क्या लेकर आएगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंसा क्या लेकर आएगी कि आप देख भी कैसे रहे हो और आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मेरे पास शिव पुराण है ये कथा बताने के लिए, तो अगर ये वाली लॉजिक से कोई ये बात करता है कि माँ का शेर खाता है इसलिए माँ को भी पसंद है, तो प्लीज़ शिव पुराण मैं रेफर कर दूंगी, आप पेज वेज सब लिख देना अपनी वीडियो के नीचे। मेरे को लगता है कि हर चीज़ तंत्र में भी जितना भी मांस है, मैथुन है, सब कुछ है, जो पंचमकार है, वो सब भी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बहुत ही प्रोफाउंड लेवल पे लिखा गया है एंड इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सौंदर्य लहरी पढ़ लीजिए आप, श्री विद्या पढ़ लीजिए, उसमें कितने ब्यूटिफुली ये बात बताई गई है कि आपके जो चक्र होते हैं उनके हर चक्र की एक गति होती है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बुद्धि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनकी जो गतियाँ हैं वो भी अलग हैं, चक्र एक अलग ही मूवमेंट में चल रहा है और उन गतियों को रिलेट किया गया है पशु से, आपकी बुद्धि को रिलेट किया गया है पशु से, और उसका मर्दन करके आप पशुपति कैसे बनते हो, शिव तक कैसे पहुंचते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। वाओ, तो मतलब हमें बाहर किसी बेचारे जीव को मारने की वजह जगह अपने अपने अंदर के जीव को मारना है। एग्जैक्टली, ऋषि मुनि बरसों बरसों की तपस्या कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं। आपको पता है जो शिवजी के एक पुत्र के, शिव शक्ति की बात हो रही है, तो माता पार्वती और शिवजी के पुत्र के रूप में देखा जाता है शुक्राचार्य को, क्योंकि वो भगवान शिव के शुक्र से बाहर आए थे, इस वजह से उनका नाम शुक्राचार्य हुआ, राइट। उनके पुत्र में पुत्र के रूप में देखा जाता है, उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त करी थी। संजीवनी विद्या मतलब वो किसी भी मृत को जीवित कर देते थे। पता है वो विद्या कैसे प्राप्त करी थी? लाखों साल पेड़ पे उल्टा लटक के धुएं को कंज्यूम करके। कौन सा मास चढ़ाया गया यहाँ पे शिव जी को? कौन सा माँ को कौन सा मास चढ़ाया उनने? माता ने, महादेव ने उनको अपना पुत्र बना लिया बिना किसी मास को चढ़ाए हुए। मैं कह रही हूँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कस्टम है वो भी अलग रख दो, पर ऐसे बहुत सारे और कस्टम है जो कि करके महादेव और माता पार्वती अपना पुत्र अपनी पुत्री बनाने को तैयार है तुमको, पर तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल सबसे विकृत कि अंदर का हैवान बाहर आ जाए, अंदर का पशु जो है वो दूसरे पशु को जब तक चोट नहीं पहुँचा देगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ उल्टा लटक के संजीवनी विद्या करी और उसके बाद भी भगवान ने उनको मौका दिया। जब उन्होंने संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लिया था तो अंधकासुर का युद्ध हुआ था, जहाँ पर माता पार्वती ने खेल खेल में शंकर भगवान की आंखों पर हाथ रखा और जगत में अंधकार हो गया और उनके पसीने से अंधकासुर वो हुआ, जो कि माता पार्वती पे ही मोहित हो गया था, अपनी माता पे। तो उसका जब युद्ध हुआ तो शुक्राचार्य सारे असुरों के, दानवों के गुरु थे, उनको बुलाया गया। जब सारी सेना मारी जा रही थी देवताओं के थ्रू, शिव जी के गणों के थ्रू, शुक्राचार्य ने आके सारे दानवों को फिर से जीवित कर दिया। तो शंकर भगवान ने इतने परेशान हुए कि मैंने इसको वरदान दिया था संजीवनी विद्या का कि ये कुछ अच्छा करेगा जगत में, और ये दानवों को ही वापस जीवित कर रहा है। शंकर भगवान ने पकड़ा और शंकर भगवान ने अपने मुख में से अपने पेट में रख लिया था उनको। उस पेट में, शंकर भगवान के पेट में उन्होंने जो बाहर युद्ध चल रहा था ना वो देखा। सात लोक, सात पाताल, भूवर लोक, महातल, पाताल, अतल, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने उनके पेट में देखा। उन्होंने योग का ज्ञान दिया था अपने पेट में शुक्राचार्य को, और जब उनके पास वो विद्या थी उसके बाद उनके पास योग आया, उसके बाद उनको ये समझ में आया कि विद्या को सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। फिर उन्होंने अपने शुक्र के थ्रू उनको बाहर निकाला, जिसकी वजह से उनका शुक्राचार्य नाम हुआ और अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट किया। उसके बाद से कोई कथा नहीं आती जहाँ पे शुक्राचार्य ने बिना किसी बात के किसी दानव को जीवित किया हो, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि विद्या को यूज कैसे करते हैं। तो कहाँ पे किसी की भी हिंसा हुई है इस चीज में? कितनी कुबेर की स्टोरी में वो बेचारे 3 जन्म बिता के आए हैं, वो भी माता पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र बन गए। आई मीन n number of ways,
भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर यज्ञ करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब भी तुम मेरा ही तत्व प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं तुम कुछ मत बोलो, तुम राम नाम बोलो, तुम कृष्ण नाम बोलो, तुम राधा नाम बोलो, तब भी तुम मेरा तत्व प्राप्त करोगे। तुम अगर माला लेकर घंटों घंटों मंत्र कर रहे हो, कितना भी बड़ा मंत्र कर रहे हो, तब भी तुम मेरा तत्व प्राप्त करोगे। एन नंबर ऑफ वेज बताए हैं भगवान ने, एक नहीं दो नहीं एन, और एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी हियर। भगवान कह रहे हैं मैं भाव एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भाव में क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक्सट्रीम भाव करेंगे। हम एक पशु लाते हैं और उसको जितना कष्ट हो सकते हैं उतना कष्ट प्रदान करते हैं। आई थिंक भगवान बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये सोचो ना कि मैं जो हो रहा है वो सिर्फ शब्दों से बोल रही हूँ और आपका एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है, तो सोचो। मतलब पता नहीं, लाइक मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में, मतलब मैं हिमाचल से हूँ तो अपर हिमाचल में भी बलि प्रथा की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। और मतलब ज़्यादातर लोग इसको कैमरा के सामने बोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक विवादिक बातचीत हो जाती है कि अगर मैंने कैमरा के सामने ये बोल दिया कि अगर मैं बलि प्रथा को नहीं मानता हूँ तो फिर शायद जो इसको प्रैक्टिस करते हैं वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कि भाई क्या तू मुझे वो नहीं करता। बट या एनी वे, मुझे अपना तर्क रखना था, आपका तर्क मुझे समझ आ गया। मतलब जिसको जो करना है वो करो, भगवान डिसाइड करेंगे किसकी गति क्या होने वाली है। तुम किसी भी केस में भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान का तत्व प्राप्त करने के लिए इस जीवन में आए हैं। हर किसी की प्रज्ञा अलग है, हर किसी का सोचना अलग है। अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, गुड इनफ, बट तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम उस चीज़ को कभी भी समझेंगे। दैट्स इट, वी आर अगेंस्ट इट एंड वी आर, यस वी आर परफेक्ट। चलो इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, और कमिंग बैक टू आर मेन टॉपिक दैट इज नवरात्रि, माता रानी के इतने सारे रूप क्यों नेसेसरी हैं? ओके, सो जैसा मैंने कहा कि तंत्र जो है वो हमें मैकेनिक सिखाता है, पर जब हम नॉर्मली अपने शास्त्रों को अपार्ट फ्रॉम तंत्र भी पढ़ते हैं तो हमें है ना हर चीज़ में एक दायरा, एक सीमा, एक वे मिलता है लाइफ को जीने का, लाइफ को समझने का, कुछ भी करने का। वैसे ही अगर हम इस जीवन में आए हैं तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए जिससे कि हम भटके ना, या फिर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला ऐसा महसूस ना करें कि भगवान ने हमें यहाँ पे क्यों भेज दिया है और किस लिए भेजा है, मैं पर्पस कैसे ढूंढूँ, क्या करूँ। उसके लिए आपको एक छोटू सा एक तरीका बता दिया गया है, और उसके लिए माँ का, नवदुर्गा का रूप सबसे ज़्यादा आइडियल है उस तरीके को समझने के लिए। जैसे कि हमारे जो चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, माँ नवदुर्गा इन्हीं चार जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होती हैं इन्हीं चार आश्रमों का। तो माँ के जो नौ रूप हैं वो इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि हमें अपने लाइफ को मोल्ड आइडियली किस तरह करना चाहिए। बाकी आपकी लाइफ की नियति आपको बता देगी कि क्या कैसे होगा अगर आप, जैसे हमने कहा, कॉन्शियस इनफ होगे। बट जब तक वो कॉन्शियसनेस आपको हिट करे, जब तक आपको ये पता चले कि आपकी शक्ति क्या कहना चाह रही है, आपसे क्या करवाना चाह रही है, आपका पर्पस क्या है, तब तक ताकि हम भटके ना रहें, ताकि हमें आइसोलेटेड ना लगे, हमें भ्रमित ना महसूस हो, तब तक के लिए हमें एक रास्ता बता दिया गया है कि आप ब्रह्मचर्य हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट होगे। आप बड़े हुए, आपको नर्सरी में डाल दिया गया, केजी में डाल दिया गया, हर किसी बच्चे के लिए यही ट्रैजेक्टरी एक आइडियल केस में यही होती है कि सबको पता है कि बच्चों के साथ, बच्चा बड़े होकर पता नहीं क्या करेगा, तब तक के लिए हम आइडियली उसको एक नर्सरी में डाल देते हैं, केजी में, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। एजुकेशन हम ब्रह्मचर्य में करते हैं, उसके लिए माँ शैलपुत्री, शैलपुत्री मतलब जो हिमालय की पुत्री है वो, और पुत्री ने उसके बाद एजुकेशन ग्रहण करी ब्रह्मचारिणी। हाँ जी, ठीक है। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ होता है चारिणी का, चारिणी आता है चर्य धातु से, ले जाना या उसकी ओर जाना, जो कि हमें ब्रह्म की ओर ले जाए वही ब्रह्मचारिणी होती हैं। और ब्रह्मचारिणी हमको एजुकेशन लेने को कहती हैं। अगर आपने देखा उनके हाथ में एक अक्षमाला है और एक कमंडल है, बाकी सारी माँ के हाथ में बहुत सारे वेपन्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, पर इनके हाथ में ही सबसे सौम्य रूप एक अक्षमाला जो कि हमें नाम जप करने के लिए काम आती है, और एक कमंडल होता है, राइट।
अब इसका भी बताए रिप्रेजेंटेशन इतना सुंदर होता है, क्योंकि आप इतने इन्वेस्टेड लग रहे हो शक्ति में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कमंडल को इस तरीके से देखा जाता है कि जब जब भगवान के जिस जिस रूप की बात हुई है, चाहे वो महालिंग के प्राकट्य हो या फिर विष्णु भगवान कहाँ पे शयन करते हैं, तब पानी का बात बताया जाता है, राइट? क्षीर सागर है, पानी हर जगह था, सब कुछ ऐसा होता है। तो कमंडल का अर्थ होता है कि इस स्थिति की शक्ति जो कि ब्रह्मांड के पूरे पानी को, जिस पे नारायण शयन कर रहे हैं, जहाँ पे महालिंग का प्राकट्य है, कुछ भी है, ऐसी एक शक्ति जो कि इस सारे पानी को भी अपने कमंडल में लेकर खड़ी हुई है, एक छोटे से पात्र में भर रखा है उन्होंने। तो जैसे अब ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल होता है, वो पूरी शक्ति, ब्रह्मा जी एक ऐसी शक्ति है, सरस्वती माता उनके हाथ में भी होता है, उनके साथ में यूजुअली दिखाया जाता है, नॉट नेसेसरली, बट उन लोगों को एक ऐसा शक्ति बनाया गया है जिनके सामने इस पूरे ब्रह्मांड का, जिस पे नारायण शयन कर रहे हैं, वो सारा ज्ञान उनके पास है, वो हमें वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो माता ब्रह्मचारिणी वो है कि अगर आपको इस सृष्टि का सार समझना है तो दूसरे हाथ की तरफ देखो, जो है नाम जप की माला। अब नाम जप की माला को अक्षमाला बताएं क्यों कहते हैं? क्यों, कभी हमने सोचा है वैसे नाम अक्षमाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इस जो माला है ना, अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें आपको इसका रीजन मिलता है कि इसमें जो 108 बीट्स होते हैं, ये 51 51 और वो जो क च ट त व जो वर्ग होते हैं ना, उनके होते हैं। तो ये शुरू अ लेटर से होती है और ये खत्म क्ष पे होती है, इसलिए उसे अक्षमाला। हर एक अ आ ई ई री री ली सब कुछ इसके अंदर होता है, सब कुछ। मतलब हमारी पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण इसमें होती है। और ये भी पता है, वो भी तंत्र वाले उससे ही आता है कि हम जब एक एक उस पर एक ही मंत्र को कर रहे हैं। अब सॉरी मैं थोड़ा सा भटक रही हूँ इस चीज़ से, बट बहुत इंटरेस्ट आ जाता है मुझे बताते बताते। तो द थिंग इज़ कि भाषा जो होती है वो सिर्फ यही नहीं जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, आपको भी पता है आपके यहाँ के थॉट्स अलग होते हैं, यहाँ के थॉट्स अलग होते हैं, यहाँ के थॉट्स अलग होते हैं, और आपको जो इंट्यूशन आता है वो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति का ही होता है। तो भाषा को चार प्रकार का बताया गया, जो होती है परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। परा जो होती है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति में लाई करती है, जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जो पश्चंती होती है हमारे पेट में होती है, थोड़ी सी गट फीलिंग आती है पर पता नहीं क्यों आ रही है, या फिर हम उसे क्या बोले पर कुछ तो हो रहा है, इतना मुझको पता है कि कुछ हो रहा है, वो हमारी पश्चंती पेट में होती है। मध्यमा होती है हमारे दिल में, कि जब भी हम हृदय से कोई चीज़ महसूस करते हैं जो कि हमारे फीलिंग्स को इन्वोक कर सकती है, हमें गुस्सा भी कर सकती है, पर हमें पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, कुछ तो बात है, किसी की कुछ बात का कोई मीनिंग हमने किसी तरीके से ले लिया पर हम कह नहीं पाएंगे पर हमें लग रहा है, तो वो मध्यमा यहाँ होती है। और वैखरी जो मुँह से निकलती है, राइट? वैखरी जब निकलती है तो वो अलग अलग अ आ ई ई के रूप में निकलती है। तो जो शक्ति हमारे अंदर है उसको इन्वोक करने के लिए हम वैखरी भाषा को उस अक्षमाला पे यूज़ करते हैं, ताकि उस शक्ति के कलाइडोस्कोपिक सेंस को हम एक ही उसको अलग अलग रूप से प्रैक्टिस कर सकें। और पूरी की पूरी 108 बार जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरी की पूरी ब्रह्मांडिक एनर्जी हम अपने हाथों में हाथों के थ्रू हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर हम ओम को जैसे लेते हैं, अगर ओम सब चीज़ों का क्रक्स है और वो कुंडलिनी में, अगर हम अपनी कुंडलिनी को सिर्फ ओम बीज मंत्र के थ्रू, उसका उच्चारण के थ्रू, उसके योग के थ्रू उठाने की कोशिश करें, तो वो ओम ने कैसे एक्चुअल सृष्टि में, कि वो अ उ म में आया और उसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया उस एक नाद ने, वैसे ही वो ओम हमारे योग को कैसे वो अक्षमाला के अ से लेकर क्ष तक हम हर एक रूप में उसको भज रहे हैं। हम अ रूप में भी भजेंगे, हम आ रूप में भी बजेंगे, हम रूप में भी बजेंगे, हम ई रूप में बजेंगे, उ उ री 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 ए आई, हर रूप में बजेंगे उसके, एवरी टू एम्ब्रेस एवरी कलाइडोस्कोपिक एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल एनर्जी वी यूज दैट अक्षमाला, एंड दैट्स व्हाई 108 बीट्स एंड दैट्स व्हाई अक्षमाला। तो ब्रह्मचारिणी वो होती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा भी बहुत कठिन होती है सारी नवदुर्गा में, वैसे सबकी ही होती है, पर ब्रह्मचारिणी रिक्वायर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डेडिकेशन। कमिंग बैक टू हमारी नवदुर्गा माँ, तो उसके बाद हमारी माँ आती है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा इसलिए बोला जाता है, वैसे तो ये बोलता है कि उनका जो मुकुट है उसके ऊपर एक चंद्रमा है, पर इनको इस चीज़ से रिलेट किया जाता है कि चंद्रघंटा रूप में माँ शंकर भगवान से विवाह करती हैं। तो जिनका नाद चंद्रमा जितनी शीतलता प्रदान करता है वो चंद्रघंटा होती हैं।
ठीक है, शंकर भगवान से शादी हुई तो अभी गृहस्थ में आ गई, अब इन्हें ब्रह्मचर्य हमको बताया, उसके बाद ये गृहस्थ में आई। उसके बाद आती है माँ कूष्मांडा, माँ के पास एक अंड है, ठीक है, हाँ जी, उनको कूष्मांडा दूसरे सेंस में ये देखा जाता है कि एक आई थिंक वेजिटेबल या फिर एक फ्रूट होता है जिसको हम कूष्मांड कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है अगर हम नॉर्मल साकार सेंस में देखें। तो माँ कूष्मांडा की जो पूजा होती है वो हमको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स और अगर रोगी काया और ये सब होती है तो उसमें हेल्प करती है। उसके अलावा भी माँ का जो वो जो कूष्मांड है वो इस बात का प्रतीक है कि ये पूरा ब्रह्मांड जब एक छोटा सा अंड था तब से माँ उसको पालती आ रही हैं और तब से वो माँ के हाथ में है, तो माँ वो शक्ति है कि ये ब्रह्मांड जब एक छोटा सा अंड था तब माँ ने इतना बड़ा किया इसको, तो वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि माँ यहाँ पर प्रेग्नेंट होती हैं अपने बच्चे के साथ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब स्कंद माता आती है तो उनके गोद में एक छोटा सा बालक बैठा कार्तिकेय, तो वो ऐसा है, वो एवोल्यूशन वाली चीज़ है ना, वो यहीं से आती है कि माँ ने सृष्टि को शुरू किया और वो सृष्टि साकार रूप से माँ की गोद में बैठी है। तो वो स्कंद माता के रूप में स्कंद बैठे हैं कार्तिकेय छह मुख के साथ अपने माँ। अब यहाँ पे गृहस्थ जो है तीन रूप में बताया गया है, क्यों? क्योंकि गृहस्थ को चारों आश्रमों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। अच्छा, गृहस्थ मतलब ऐसा कहा गया है, काफी योगियों ने आपने देखा होगा बड़े से बड़े योगी जो हैं वो मैरिड रहे हैं, राइट, सबके सब, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गृहस्थ आश्रम जो योग का एक अलग रूप आपको दिखाता है, मतलब आप चूज कर सकते हो सब कुछ वैराग्य अपने अंदर धारण करके सब कुछ छोड़ के एक हिमालय की चोटी पर जाके वहां पे बिना किसी डिस्टर्बेंस के शांति में बैठना, बट इस वर्ल्ड की जितनी पॉसिबल डिस्टर्बेंस हो उनको जीते हुए वैराग्य को प्राप्त करना उससे ज़्यादा कठिन और कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं कि सेम इसी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी एक लाइन डाल रहा हूँ कि जब वैराग्य जीवन आप जी रहे हो तो फिर आप अपने लिए जी रहे हो, क्योंकि मैं भगवान जी की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एक फैमिली के साथ और वैसा जीवन जी रहे हो तो फिर आप ये देखते हो मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने बीवी के लिए और अपने आसपास के पूरे परिवार के लिए जी रहा हूँ, तो फिर जो वैराग्य जीवन थोड़ा सा आसान है लेकिन गृहस्थ जीवन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, कि उस गृहस्थी में रहकर वैराग्य के तत्व को समझना, उसका तत्व प्राप्त करना और अपने आप को एट द सेम टाइम आप चर्न कर रहे हो कि आपको अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड भी करना है, अपनी पत्नी के साथ भी रहना है, पर अपने प्रभु के लिए उतना ही समर्पण दिखाना है। तो वो जो आपके वो जो माँ अपने जैसे हाथ बढ़ाती जाती है ना, वैसे ही आपके साथ गृहस्थ में भी यही होता है कि आपकी रिसोर्सफुलनेस और आपकी आपकी जो क्षमता है वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि भगवान आपको हर चीज़ करवाते हैं, कि अगर त्रिशूल हाथ में है तो आप योग भी करो, अगर तलवार हाथ में है तो आप जाके मर्दन भी करो समाज की बुरी चीज़ों का, साथ में अगर आपके और ज़्यादा चीज़ें हैं जो और कलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं तो गृहस्थी को चलाओ, बच्चों को बड़ा करो, सब कुछ करो और एट द सेम टाइम योग को भी धारण करो ताकि आप भगवान के तत्व में लीन रहो। तो माँ के जैसे शैलपुत्री के पास दो हैं, ब्रह्मचारिणी के पास दो हाथ हैं, वैसे ही जैसे चंद्रघंटा माँ आती हैं, स्कंद माता आती हैं या फिर कूष्मांडा आती हैं, उनके हाथ बढ़ जाते हैं, वो आपको वही सिखाती है कि गृहस्थी में रिसोर्सफुलनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और इसलिए माँ के सारे जो गृहस्थ सॉरी जो ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, माँ के दो दो रूप होते हैं, पर गृहस्थ आश्रम में तीन रूप बताए गए हैं, बाकी सब में दो दो है, क्योंकि वो बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम से डिफिकल्ट और कोई आश्रम नहीं होता, कोई भी नहीं। और कितने जैसे शंकराचार्य की वो वाली कितनी फेमस कथा है कि उनको शक्ति तत्व को समझने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहे हुए इंसान के बॉडी में प्रवेश करना पड़ा था, तब उनको शक्ति तत्व समझ में आया था। गृहस्थ जीवन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, मतलब हमारे आज की जनरेशन में बोला जाता है कि यार लाइक योलो एंड आई वुड वॉन्ट टू नॉट गेट मैरिड, है ना, मतलब आजकल ये वाली डिबेट भी चल रही है। तो गृहस्थ जीवन के इस के संदर्भ में एक और हनुमान जी के बारे में भी तो बोला जाता है कि उनको भी आठ सिद्धियां पूर्ण करने के लिए विवाह करना पड़ा था। देखो ये वाली कथा है ना, सुनी बहुत है पर अभी तक मेरे को पढ़ने में नहीं आई है, तो पर इसके मंदिर भी तो है एक जहाँ पे हनुमान जी को सूर्य उनकी वाइफ के साथ, हाँ 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 पुत्री जो थी, हाँ
उनके साथ। मैंने ये वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत सर्च कर रही हूँ किसी में कोई क्रेडिबल सोर्स से जानना है। आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट वहाँ पे मंदिर है, सब है, बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली रीड अबाउट इट ताकि मैं अध्ययन के थ्रू ये पता कर सकूँ कि ऐसा एक्चुअल में क्यों हुआ था। पर हाँ, ये हर कोई बड़े से बड़ा योगी, हर कोई सिद्ध योगी आपको ये डेफिनेटली कहता है कि गृहस्थ आश्रम आपको सिखाता है कि सिद्धियों को धारण कैसे किया जाता है। क्योंकि सिद्धि आर नॉट जस्ट कि हाँ हनुमान जी छोटे हो गए, बड़े हो गए, पर आज के समय में सिद्धियों का अर्थ ये नहीं है कि आप एंटमैन बन जाओ और बड़े बन जाओ और सब कुछ हो जाएगा। सिद्धियों का अर्थ ये है कि आप अपने अंदर इतनी कुशलता रखते हो कि आप संसारिक जीवन को, वैराग्य को साथ में पैरेलली लेकर चल रहे हो और हर स्थिति में उस स्थिति के हिसाब से ढल रहे हो। आपको कोई भी वो जो जीवन का फ्रिक्शन है ना, हर कोई डे एक नई चुनौती लेकर आ रहा है और आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली फाइट करनी पड़ रही है। सिद्धि वही तो देती है कि आपको वो फ्रिक्शन महसूस नहीं होता। अगर आपको किसी के सामने छोटा भी दिखना पड़ रहा है ना, छोटा दिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। कोई छोटा बालक आ गया, उसके साथ छोटा बालक बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्धियाँ कुछ नहीं है, वो वैराग्य और संसारिकता को साथ में ले जाने का एक बहुत ही सुंदर सा ब्रिज है कि आपको यहाँ पे संसार दिखेगा, यहाँ पे वैराग्य दिखेगा और आप बढ़िया सीनिक व्यू एंजॉय करते हुए सिद्धियों के साथ चलते चलते दोनों को एक दोनों के एक एक हाथ दे दो और बस चलते रहो। बस मतलब शादी करना इम्पोर्टेंट है। मतलब हर किसी के लिए एक अलग पाथ है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपका पाथ क्या है तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक पॉइंट पे आपको समझ में आ जाएगा लाइफ का पर्पस क्या है, पर जब तक नहीं आ रहा तो एक आइडियल तरीका बताया गया है जीवन को जीने का ताकि आप भ्रमित महसूस ना करो। फिर उसके बाद गृहस्थ के बाद माँ कात्यायनी रूप में आती हैं और कालरात्रि रूप में आती हैं, जहाँ पे गृहस्थ में उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जो है काम का सहारा लिया और अर्थ का सहारा लिया, अर्थव्यवस्था चलाई अपने गृहस्थी की, काम के थ्रू सारे डिज़ायर्स पूरे करे, अपने बच्चे जो हैं वो बड़े करे, सृष्टि को शुरू किया। उसके बाद माता आती हैं धर्म पे और मोक्ष पे। तो अच्छा। धर्म में माँ इस चीज़ का प्रतीक होती हैं कि वो अधर्मियों का जितना भी नाश, जितने भी चाहे वो महिषासुर का रूप हो, चाहे कितने भी बड़े दानव का स्वरूप हो, माँ ने कात्यायनी और कालरात्रि रूप में ही उनका मर्दन किया है, नवदुर्गा रूप में से कात्यायनी और कालरात्रि। तो इसमें वो धर्म की स्थापना करती है, वो वानप्रस्थ में आ गई हैं, वो अपने जीवन का काम छोड़ आई हैं, वो अपने जीवन का अर्थ छोड़ आई हैं, वो धर्म पे फोकस कर रही है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि गृहस्थी में हमने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, अब हमारा ज्ञान अर्जित करने का टाइम है और अब हम अपने आगे जो हमारी पीढ़ी है उसको हम धर्म कैसे सिखाएंगे, ज्ञान के थ्रू सिखाएंगे, खुद अपने एक्शंस के थ्रू सिखाएंगे। क्योंकि स्कंद वहाँ पर हैं जब माँ ट्रांजिशन कर रही हैं इधर स्कंद माता से कात्यायनी कालरात्रि रूप में, तो स्कंद छोटे से बालक हैं। उसके बाद उनको धर्म का कैसे समझाया जाए पाठ कि धर्म क्या होता है, धर्म की स्थापना कैसे होती है, खुद उन चीज़ों का मर्दन करके, खुद वो चीज़ों को अपने जीवन से हटाकर बुराइयों का नाश करके और अच्छाई की विजय दिखा के, ऐसे धर्म की स्थापना होती है। और उसके बाद माँ अपनी सिद्धिदात्री रूप में और महागौरी के रूप में आती हैं, जहाँ पर महागौरी रूप में संन्यास की तरफ चली गई हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया, उन्होंने अपनी गृहस्थी जी ली, उन्होंने धर्म कर लिया, वो मोक्ष की तरफ आई हैं। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, जब सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तो माता अपने लास्ट रूप में बनती हैं सिद्धिदात्री, जो कि उस वो शक्ति बन गई है जो सिद्धियाँ प्रदान कर रही हैं, सिद्धिदात्री। तो वो इतना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है माँ का इस पूरी सृष्टि को चलाने का, कैसे चलती है वो बताने का, आप कैसे चला सकते हो वो समझाने का। तो हमेशा ऐसा होता है यूजुअली ना, लोग मैं पॉडकास्ट में जाती हूँ तो मेरे को बोलते हैं आप स्टार्टिंग में तो बहुत सीरियसनेस से बात करते हैं, पर जैसे ही माँ की बात होती है ना, अब एक छोटा सा बच्चा बनके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं कहा आई थिंक वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो माँ की बात आते ही आई गेट सो एक्साइटेड, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी चीज़, अब जैसे मैंने आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताया कि उन्होंने नाखून से ही अनंत कृष्ण, राम, नरसिंह भगवान, कितने कितने भगवानों को वहाँ पे प्रकट कर दिया। तो वो एक छोटी सी चीज़, उनका नाखून भी इतनी बड़ी चीज़, इतने अनंत ब्रह्मांडों को रिप्रेजेंट करती है, तो वो शक्ति तो क्या ही शक्ति। बट अगेन, शक्ति को बिना शिव के समझा नहीं जा सकता, शिव को बिना शक्ति के नहीं समझा जा सकता, इसीलिए अर्धनारेश्वर स्वरूप उनका। और वाओ, हाँ,
आपने सृष्टि की स्टार्टिंग की बात करी थी ना, आपको पता है कि ब्रह्मा जी को ये मैथुनी सृष्टि बनाने का आइडिया भी अर्धनारीश्वर रूप से आया था जब उन्होंने, हाँ, तो जब वो बहुत परेशान हो गए थे, वो ऐसी सृष्टि नहीं बना पा रहे थे जो खुद से चलती है, जो खुद से प्रोक्रिएट होती है। उन्होंने 6 सर्ग बनाए सृष्टि के, छठवां जो सर्ग था वो था सनत कुमारों का। 6 सर्ग मतलब कि सृष्टि बनाई। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि सृष्टि कैसे चले, तो हिट एंड ट्रायल टाइप का चलता रहा चलता रहा। एक बार उन्होंने सनत कुमार बनाए, सनत कुमार से कहा तुम आगे सृष्टि करो। ये 4 सनत कुमार हमें बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम भ्रमण पे जाएंगे और हम ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, राइट? हाँ। तो उन्होंने उसके बाद इतना परेशान हुए, विष्णु जी को करा, विष्णु जी कहते हैं महादेव को याद करो। अब जैसे ही वो महादेव को याद करते हैं, उनके इस भाग से, मध्य भाग से, नाक से लेकर इस मध्य भाग से शंकर भगवान और माता पार्वती अपने अर्धनारेश्वर रूप में वहाँ प्रकट होते हैं और वो उन्हें अलग होकर दिखाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर इस सृष्टि में एक पुरुष हो, एक प्रकृति हो, तो जब वो मिलेंगे तो सृष्टि अपने आप ही शुरू हो जाएगी। तब वहाँ से वो मनु को बनाते हैं और शत्रुपा को बनाते हैं और वहाँ से वो मैथुनी सृष्टि शुरू होती है। सांख्य दर्शन कहता ही ये है, सांख्य दर्शन जो हमारे 6 दर्शनों में से एक है, वो भी यही कहता है कि लाइक जब भी पुरुष और प्रकृति का जब मिल होगा या फिर उनके बीच में थोड़ा बहुत टकरावट होगी तभी आगे चलेगा संसार। तो मतलब हम 6th वर्जन ऑफ ब्रह्मा जी हैं, 7th हैं, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो 6 चक्र भेद कर 7वें पे ब्रह्मांड खुलता है, तो उनके साथ भी वही हुआ। 6 ट्रायल करने के बाद 7वें पे खुला कि ओ क्या करना, अब समझ में। तब शिव जी आए सामने और उन्होंने कहा कि ऐसे करना है सब। यार मतलब मैं हमेशा जितनी बार भी सनातन के बारे में बात करता हूँ ना, तो फिर कथाओं को समझना इज लाइक संसार को समझना, क्योंकि क्योंकि हमें बचपन से बहुत ज़्यादा लिटरल मीनिंग समझाने की कोशिश, मतलब लिटरल सेंस में कथाओं को बता देने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद हम जब उसको डीप अंडरस्टैंडिंग में समझते बोलते यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं होता, वो एक्चुअली में हुआ कुछ और होता है। वाओ, अब मैं आपसे कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, क्या आप बता सकते हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति सबसे इजी टर्म्स में माता शक्ति आपके अंदर विहार कर रही है, और जैसे हर कथा में माता शक्ति एक जर्नी के थ्रू जा रही है अपने शिव से मिलने के लिए, वैसे ही आपके अंदर की शक्ति एक जर्नी पर जाने के लिए तैयार बैठी है अपने शिव से मिलने के लिए। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बिल्कुल नीचे है, आपकी जो शिव हैं वो बिल्कुल ऊपर हैं। आपकी शक्ति निरंतर रूप से आपको किसी ना किसी तरीके से ओवर टाइम बोलती रहती है। वो जो एक होते ना कि हमें साइंस मिलता रहा, मैंने साइन को पहले क्यों नहीं समझा, तो वो निरंतर रूप से आपको कहीं ना कहीं एक साइन देती रहती है कि मुझे मेरे शिव से मिलना है, थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा ध्यान में बैठो, मूलाधार खोलो, बाकी का एक बार को मैं करने को तत्पर हूँ, पर तुम तो एक स्टेप लो। तो दैट इज़ बेसिकली कथाओं के शंकर भगवान और माता पार्वती हमारे अंदर रिसाइड करना। और तंत्र में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आई कम बैक टू द सेम थिंग, कि इट्स एज ईजी एज ब्रीथिंग। तंत्र में बस यही बोला गया है, सांस लेते रहो, आपका जो ह है वही जो स की आवाज़ है, की आवाज़ है, ये स ही शक्ति है। ये स ही शक्ति है, क्योंकि जैसे आप अंदर सांस लेते हो ऑक्सीजन जाती है, पूरा लाइवलीनेस में हो जाते हो, ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, सारी चीज़ें सांस लेने से ही हैं, आपका जीवन शुरू ही सांस लेने से है। जैसे आपने पहली बार सांस ली आपका जीवन शुरू हो गया, आपने आखिरी बार सांस छोड़ी आपका जीवन खत्म हो गया, शक्ति आपके अंदर प्रवेश की और उसकी शक्ति आपके अंदर से चली गई, तो आप शव समान हो गए। जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि महादेव के अंदर शक्ति है, कि वो यही कहते हैं कि अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं, सबसे इजी बीइंग रेचक, कुंभक, पूरक, या फिर नॉर्मली भी सांस लेने से, अपने सांसों को बांध कर उस टाइम पर मंत्र पढ़ने से आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो सकते हैं, बट द फर्स्ट थिंग इज टू टेक दैट स्टेप। वही कुंडलिनी शक्ति होती है कि माता पार्वती लिटरली अंदर रिसाइड कर रही हैं आपको, मैं बता नहीं सकती, पर आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाने के लिए तत्पर है वो। आपके अंदर ये सारे लोग, सारे पाताल, सब कुछ आपके अंदर रिसाइड करता है, और वो कुंडलिनी शक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपको बंद आँखों में इस पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा सकती हैं।
कितने बड़े बड़े योगियों ने कितने बड़े बड़े रियलाइजेशन करे. आपको क्या लगता है कृष्ण भगवान का मुख खोल के ब्रह्मांड दिखाने का अर्थ क्या होता है? कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर मुख में भी है, पर वो कैसे रियलाइज करना है वो उनके योग के ज्ञान से. गान योग का उन्होंने पाठ पढ़ाया, उन्होंने सांख्य योग का, उन्होंने क्रिया योग का, राजयोग का, कितने योग, पूरी गीता योग ही है, कुछ भी नहीं है. योग 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 योग, भगवान कह रहे योग करते रहो, योग करते रहो. पर हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, हमें लगता है कि शायद से कोई एक्सटर्नल हेल्प मिल जाए. एक्सटर्नल हेल्प भी वैसे तभी आती है जब आप खुद की हेल्प इंटरनली अब खुद की हेल्प करो. वाओ. तो ये मतलब इस बात से मेरे को वो याद आती है कि आई यूज़ टू ऑल मतलब ऑलवेज ऑलवेज क्रेव फॉर, कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो अपनी माँ को बोलती थी कि मुझे गुरु कब मिलेगा. तो मम्मी कहती थी बेटा गुरु जब तुमको ये बताए कि ये काम करना है तो वो काम करने के लिए योग्य तो बन जाओ. गुरु तुमको बैठकर आंख बंद करना नहीं सिखाएगा. तुम कहोगे कि मम्मी 2 मिनट में आंखें खुल गई, मुझे बहुत अजीब सा दिखा. तुम्हें घंटों घंटों पहले खुद आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा, तब तुम्हें गुरु आके बताएगा कि इसके बीच में तुमको क्या करना है. गुरु तुमको आंखें बंद करना, सांस लेना नहीं सिखाने वाला. तुम योग्य तो बनो. तुम अगर बिना योग्यता के गुरु ढूंढोगे तो गुरु तुम्हारे पास नहीं आएगा. तो फिर मेरे मतलब मैं तो ये कहती हूँ आउट लाउड कि मेरे जीवन का पहला गुरु मेरी माँ है. क्योंकि अगर वो जैसी है वो वैसी नहीं होती तो शायद से आज मैं जनरली भी यहाँ पे नहीं होती और इस फील्ड में भी नहीं होती. तो मेरी माँ, उसके बाद मेरे पिताजी मेरे पहले गुरु, और फिर महालक्ष्मी मेरे जीवन में आई. जैसे मैंने आपको कोल्हापुर के बारे में बताया, तो उन्होंने मेरे को ऐसे साइंस और ऐसे जीवन की प्रकृति को समझने का एक चांस दिया दैट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर. बाकी आई थिंक पूर्वजों का काफ़ी वो होता है. मेरे दादाजी ने देवी की काफ़ी सिद्धि प्राप्त करी थी, बट जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तब वो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ थे नहीं, वो चले गए थे अपनी खुद की जर्नी पे. तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. पर फिर भी माँ ने मुझे इतने सुंदर लोगों से मिलाया, इतने सिद्ध पुरुष से मिलाया. आई हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल पर्सन इन माई लाइफ, मैं उनको शक्ति जी कहती हूँ. क्योंकि उन्होंने शक्ति को समझने का और ज़्यादा चांस दिया मुझको. तो लिटरली आई एम अ टेस्टमेंट टू दिस स्टेटमेंट कि आपकी शक्ति तैयार बैठी है इस पूरे ब्रह्मांड को आपके अंदर दिखाने के लिए. बस आपको फर्स्ट स्टेप लेना है. फर्स्ट स्टेप इज़ योर्स एंड रेस्ट द यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. यूनिवर्स के बारे में बात हुई ना, मेरे दिमाग में माँ सरस्वती आ गए. और माँ सरस्वती की मुझे एक बात याद आ गई कि मेरी मम्मी मुझे कहते थे कि पता है कभी भी ना ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मुख में कब माँ सरस्वती विराजमान है. इसकी स्टोरी पता है आपको? हाँ. हमारी जैसे पूरी ही बॉडी में अलग अलग नाड़ियाँ होती हैं. हमारे अंदर शक्ति नाड़ी है, हमारे अंदर शिव नाड़ी है, जो कि कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी के, अभी मैंने बताया, ये बात बताना भूल गई मैं, कि शिव शक्ति का जो समागम, जो अर्धनारेश्वर रूप होता है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी स्थित है, होता है. ओके. हमारा जो लेफ्ट साइड है वो शक्ति नाड़ी होती है, राइट साइड शिव नाड़ी होती है, जिसको हम इड़ा और पिंगला कहते हैं. आई एम सो सॉरी. कोई बात नहीं, ये ना वो रील अपलोड करने के लिए बंद कर दूँ ताकि वो स्नूज में ना चला गया हो. तो मैं तब वो ब्रह्मा जी वाले उसमें बताना भूल गई कि हमारे लेफ्ट पार्ट में इड़ा नाड़ी शक्ति नाड़ी होती है, जिससे कि सारे शुभ कार्य होते हैं, जो मैंने कुबेर वाली स्टोरी में बताया था. राइट साइड में पिंगला और शिव नाड़ी होती है. और यही वो जो सांसों की प्रक्रिया है ना, कि पहले सांस अंदर जाती है, लेफ्ट साइड में सारा ऑक्सीजन से रिलेटेड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट साइड में होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में होता है. चाहे आप छिन्नमस्ता माँ का रूप देख लो, वो भी आपको ये बताता है. तो वो शिव नाड़ी सब कुछ निकालती हुई बाहर जैसे निकलती है, तो इसके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि एक्टिव तभी होगी जब आप अपनी इड़ा और पिंगला को साध लोगे, जब आप योग के थ्रू अपने ब्रेथ वर्क पे काम करते हो. अच्छा. और इसी सुषुम्ना पे वो शक्ति चढ़ती है. तभी तो वो फर्स्ट स्टेप आपका योग ही है, कि योग के थ्रू आपको ब्रेथ वर्क करके अपना बस साधना है शिव और शक्ति. आई नो कि बहुत बड़ा स्टेप है, बट है, आपको ही लेना है. तो वो सुषुम्ना पे ही चढ़ती है कुंडलिनी, और वहीं से अर्धनारेश्वर रूप में भगवान निकले थे ब्रह्मा जी के, सुषुम्ना नाड़ी जो कि इधर होती है बीच में सेंटर में. वैसे ही हमारी जीभ पे जो नाड़ी होती है उसको सरस्वती नाड़ी कहते हैं.
तो वहां से ये चीज आ रही है कि कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारे मुख में सरस्वती माता सरस्वती का, हाँ, कभी भी बैठ सकती है. अब सरस्वती नाड़ी कब, अब जैसे सुषुम्ना कब एक्टिव हो रही है, जब एड़ा और पिंगला सामान्य रूप से स्थिर हो गई है. ये तब होती है जब हमारे पूरे दिन में है ना एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों नाड़ियाँ सामान्य रूप से चलती हैं. वैसे एक डोमिनेंटली चलती है, एक थोड़ी कम चलती है, तो हम पता कर सकते हैं अगर नीचे हाथ रखा है कि इड़ा एक्टिव है या फिर पिंगला एक्टिव है. इड़ा एक्टिव है तो शुभ काम करने हैं, पिंगला एक्टिव है तो बहुत रिग्रेस काम करने हैं. जब दोनों एक्टिव होती हैं तब सरस्वती नाड़ी चलती है. योगियों के पास ये टेक्निक होती है कि वो अपनी दोनों नाड़ियों को या किसी भी नाड़ी को किसी भी पॉइंट पर चला सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकते हैं. बोलते हैं ना ऐसे करके देखो कि हाँ, आपकी कौन नीचे सी वाली हाथ रख नाड़ी, के, हाँ, ओके, आपकी कौन सी वाली चल रही है, थोड़ा सा पता चल जाए आराम से मुझे मुझे राइट वाली लग रही है करोगे शायद, हाँ, बट एनीवे तो उनके पास ये टेक्निक्स होती थी कि वो अपनी उसको उसी हिसाब से कर लेते थे. और क्योंकि उनकी दोनों नाड़ियाँ चलती थी तो वो प्रकृति से इतना सिंक में आ जाते थे कि उनको ये पता होता था कि आगे पॉसिबली क्या होता है, तो उनकी वाणी से वो चीज़ निकलती थी. तो वो बोलते नहीं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो उस टाइम पे तो नहीं देते थे कि जब उनकी एग्जैक्टली दोनों के दोनों नाड़ियों को वो एग्जैक्टली एक्टिवेट कर लेते थे, एग्जैक्टली तो वो जब अपनी वो दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट कर लेंगे और उस टाइम बोलेंगे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और फिर वो हो जाएगा। पर उसके सोल्यूशन भी बताते थे साथ में कि उन्होंने कहा ऋषिवर हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए. तो ऋषिवर कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका सोल्यूशन लिए है, इट्स ओके. मतलब मैनिफेस्टेशन वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स, बट मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ इट. मतलब आप ये सोचो ना कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो आप कहाँ मैनिफेस्टेशन में फंसे हो. ब्रह्मांड देखो और ब्रह्मांड के दर्शन करो और ब्रह्मांड को ठीक करने की कोशिश करो. पहले तो अपना ही ब्रह्मांड ठीक करो. मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अध्ययन में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाती उस दिन, तो मेरी मम्मी कहती है बेटा जिस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहे हो पहले उस ब्रह्मांड को ठीक तो रख लो, उसके बाद आगे की बात होगी. तो दैट इज समथिंग, मतलब आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर कि मतलब मम्मी भी ऐसी थी जिन्होंने योग का मार्ग बहुत पहले से सिखाती आ रही थी. कितनी चीज़ों में कितनी सारी, अब जाके समझ में आता है कि ये बोला जाता है ना कि काल से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती. तो मम्मी बचपन से ना स्कूल से मैं आती थी बहुत परेशान कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो मम्मी तब समझाती बेटा समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता. और तब मैं कहती थी पता नहीं थर्ड क्लास के बच्चे को क्या समझाना चाहती हैं ये, क्यों ये समझा रही है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है और उन लोगों को मेरे साथ कुछ बोल क्यों नहीं रही है. पर अब समझ में आ रहा है कि समय से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता, समय सब समझा देता है. समय सब समझा देता है, सही बात है। मुझे ना पता है हम बात कर रहे थे ना, और हम जब नवरात्र के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में पता है एक चीज़, तुमने आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी नवरात्रे होते हैं और जब माता रानी माता रानी के बारे में जब हम घर पे कथा करते हैं, तो फिर जब नवरात्रों में कितनी पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है ना उस पॉजिटिव टाइम पे, एनर्जी होती मतलब है, सारे नाच रहे हैं बिल्कुल. और गाना गा रहे हैं, शेर वाली अम्बे माँ, वो जो 9 के 9 दिन पूरी रात लोग बैठे रहते हैं, पूरा बैठे रहते हैं. मतलब आपको हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम ना एक थोड़ा सा नाटकीय चीज़ें भी करते हैं, तो छोटी छोटी जब कथा आती है तो उस टाइम पे जैसे कि शिव जी बनते हैं कुछ, उनके शिव जी जगराता के टाइप जगराता टाइप से होता है, तो होता जगराते में है. कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती पॉजिटिविटी है, होती है. मतलब मैं भी हम भी मतलब उसमें काइंड ऑफ भाग लेते थे, तो फिर मैं भी एक बार बना था, मेरे पास फोटो हुई थी, मैं दिखाऊंगा, बट मतलब नवरात्र कितने ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव होते एनर्जी हैं के साथ बहुत. लेकर आते हैं, और जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो मतलब मज़ा आ जाता है। मुझे पता है कि हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं और श्री यंत्र के बारे में मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो वो तो अगले एपिसोड में करते हैं श्री यंत्र के बारे में, लेकिन आप छोटा सा ब्रीफ दे सकती हो कि ये श्री बिल्कुल. यंत्र क्या है। जैसे मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि कुंडलिनी शक्ति की जब आप बात करते हो, माँ के अलग अलग रूप है ना आपको अलग अलग चीज़ों के थ्रू मोक्ष की ओर लेके जा रहे हैं. जैसे मैंने कहा एन नंबर ऑफ फेज, माँ हर तरीका बताने को तैयार है आपको. आप अगर ब्रह्मचारिणी की बात करो, माँ काली की बात करो, माँ तारा की बात करो, माँ शैलपुत्री की बात करो, किसी की बात करो, माँ कह रही है कि मेरे पास एक तरीका है, तुम्हें बस पहला कदम लेना है. वही बात है. जैसे मैं कह रही हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, ये पूरे ब्रह्मांड का जितना भी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल हो सकता है, चाहे वो हमारे पाताल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे स्वर्ग से रिलेटेड हो, चाहे हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, हमारे चक्रों से रिलेटेड हो, हमारी मुख से निकलने वाली वैखरी वाणी का हो,
सिद्धियों का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो एक छोटी सी जगह पर श्रीयंत्र के रूप में आप कहीं भी उठाकर रख सकते हो। वो एक छोटी सी चीज़, इतना छोटा भी बनता है, इतना बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा के बैठा हुआ है, वो एक इतना सा श्रीयंत्र। आप उसे देखते हो ना, आपको लगता है कि अरे ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल्स क्या हैं, ये बीच में ये क्यों है, कैसे है, क्या है। एवरी ट्राइंगल दैट द श्रीयंत्र इनकम पासिस इन इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स एक अलग डायमेंशन, एक अलग टाइप का वो होता है। हम श्रीयंत्र को पढ़ने के भी अलग तरीके होते हैं, जैसे जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, वैसे श्रीयंत्र को पढ़ने के अलग तरीके होते हैं। जीवन जीने का क्या तरीका, एक संहार क्रम होता है और एक सृष्टि क्रम होता है। कि हम सब कुछ जान लेते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य में सीखा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, हमने वेदों का ज्ञान लिया, हमने मंत्र करा, फिर हमने कहा कि नहीं हम इसको तो नहीं करेंगे, हमें ना गृहस्थ में चलते हैं। गृहस्थ में जाके हमने भगवान को थोड़ा साइड रख दिया कि हाँ फेस्टिवल्स पे पूजा कर लेंगे पर थोड़ा सा धन कमाते हैं, राशि कमाते हैं, और फिर हम इसी माया में फंस के रह गए। इसको हम सृष्टिक्रम कहते हैं। तो जब हम अंदर से बिंदु में से जो श्रीयंत्र का बीच होता है उस बिंदु में से बाहर की तरफ श्रीयंत्र को पढ़ते हैं, उसको सृष्टिक्रम कहते हैं। अच्छा। पर अगर हम बाहर से उस बिंदु की तरफ जाते हैं, मतलब ये पहला जो भूपुर है वो पहली रेखा है, फिर दूसरी, तीसरी, फिर एंड में वहाँ आते हैं, उसको हम सहार क्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि की सारी चीज़ों को समझते हुए कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें धन धन हमारा लक्ष्य नहीं है, उसके बाद हमें इस चीज़ को कम करना है, कम करना है, कम करना है, हम छोटे से बिंदु की तरफ आ जाते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे रिपल इफेक्ट होता है ना। हाँ जी। तो रिपल इफेक्ट या तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं, वो कहाँ से बन रही हैं, छोटे से एक डॉट सा हमने एक पत्थर फेंका उससे बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। एक ये तरीका है कि हमने देखा बहुत सारी रेखा एक छोटे से डॉट की वजह से बन रही है, पर एक छोटा सा डॉट बहुत सारी रेखाओं को बना रहा है, वो दूसरा तरीका है। तो वो सृष्टि जीने का, श्रीयंत्र को पढ़ने का, दोनों का सेम तरीका है। सृष्टि को रिप्रेजेंट करने का, हमारे अंदर के सारे चक्र जो हैं वो श्रीयंत्र के अंदर हैं, हमारे अंदर के जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो सब श्रीयंत्र के अंदर हैं, हमारे यहाँ पे सहस्त्रार्थ के अंदर जो महाबिंदु है वो भी श्रीयंत्र में है, माँ का वास, शंकर भगवान का वास हमारे अंदर भी है, वो भी श्रीयंत्र के अंदर है, सारी सिद्धियाँ, सारी निधियाँ, सारी शक्तियाँ, सारी मातृकाएँ, सारी योगिनियाँ, सारे भैरव, सब कुछ श्रीयंत्र के अंदर है। That one single complex diagram carries the whole mysteries of this world inside itself. कितना powerful है वो। और उसकी अधिष्ठात्री देवी माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्होंने वध किया भंडासुर का, कैसे बहुत सारे भगवानों को वहाँ पे प्रकट करके। तो वो ये कथा, और आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भंडासुर का वध करने के लिए माँ जाती है ना जी, जैसे श्रीयंत्र का पूरा पैटर्न है, उनकी जो पूरी सेना है ना वो भी वैसा पैटर्न रिज्यूम करके जाती है कि पहले वाले भूपुर में ये शक्तियाँ होती हैं, उसके बाद ये मातृकाएँ होती हैं, उसके बाद कुछ होता है, उनकी जो पूरा रथ और सेना तैयार होती है ना वो भी श्रीयंत्र के पैटर्न से ही होती है। और बोलते हैं कि श्रीयंत्र के जब आप श्रीयंत्र की आराधना करते हैं तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि श्रीयंत्र इतना पावरफुल है, बहुत पावरफुल। आई कांट एम्फसाइज इनफ वो कितना पावरफुल है। मेरे को कितना, मतलब एक पॉइंट पे जब मैंने श्री विद्या पढ़ना शुरू किया था तो नवरात्रि का ही टाइम था, और मेरे नवरात्रि बहुत रिग्रेस टाइप की उसमें व्रत में और उसमें जाते हैं। आई ट्राई टू गिव अप ऑल दी लग्जरीज एंड मैं एक बहुत ही साधारण सा वो करती हूँ, ज़मीन पर सोती हूँ, सब करती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी इसमें। बट रैंडमली एट अ वेरी डिफरेंट आर मैं श्रीयंत्र पढ़ के सोती थी, श्री विद्या पढ़ के सोती थी श्रीयंत्र के बारे में। मुझे वो सपने में, मेरी निद्रा में मुझे इतना फैसिनेट करती थी कि मैं अचानक से है ना एक थॉट के साथ उठती थी, एक बहुत ही हैवी थॉट के साथ, मुझे श्री विद्या पढ़नी है। मैं रात की 3:30 बजे उठ रही हूँ और मैं अपने मन में ये थॉट लेकर उठ रही हूँ कि फिर से बैठ जाओ श्री विद्या पढ़ने। ये भी नहीं कि पूजा करो, नहाओ धो, श्री विद्या पढ़ते हैं चलो। ये 9 दिन तक लगातार इतना हैवी हो गया था। फिर मैंने माँ को बोला थोड़ा सा आराम से चलते हैं, एक ही बॉडी आराम से काम करेंगे। फिर मैं धीरे धीरे करके योगिनी हृदयम, श्री विद्या, सारी चीज़ें सब पढ़ते गए। तो उफ़, मतलब इतना प्रोफाउंडनेस इतने छोटे से डायग्राम में कैसे ही आ सकता है, मैं तो वही देख के अमेज्ड हूँ। बाकी सारी कथाओं पर तो मैं बाद में आऊँगी। वो एक छोटा सा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर जाता है कि क्यों शंकर भगवान का उसको रेस्टिंग स्पेस कहा जाता है और शक्ति का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा जाता है।
उसमें होते ही शंकर भगवान के चार ट्राइंगल्स हैं और शक्ति के पांच ट्राइंगल हैं, तो होता उनका समागम ही है पर शक्ति फिर भी प्रिवेल करती है, इसलिए उनका क्रीड़ा। अच्छा, शंकर के चार है, माँ पार्वती के पांच हैं, और वो और ये भी नौ है। अगर अगर श्री यंत्र में नौ है तो वो भी नौ अलग से बनते हैं। तो इसमें पांच पांच क्यों नहीं दिए शंकर भगवान के चार की? क्योंकि वो उनका रेस्टिंग स्पेस कहा गया है कि शिव शक्ति वहां पर है पर वो उनका रेस्टिंग स्पेस है, और यहाँ पे माता क्रीड़ा करती है, माता भंडासुर का वध करने के लिए उतर रही है। माता हमेशा शंकर भगवान के साथ आएंगी पर वो उतर अपने उस रूप में रही है। मतलब यहाँ पे माता रानी को ज्यादा मतलब चलो ठीक है वो दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम है नहीं, कुछ वो नहीं है, बस ये है कि शक्ति का तत्व ज्यादा बड़ा होगा और शिव का तत्व हल्का सा उसको सपोर्ट करने के लिए होगा, और वही 43 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। वो 43 ट्राइंगल दुनिया का एक अलग ही डायमेंशन आपको बता रहे हैं। फिर वो एक ये लास्ट में इसका नीचे का ट्राइंगल बनता है, बीच में एक बिंदु होता है, ये श्रीयंत्र का ही होगा? नहीं, ये तो एक नॉर्मल शक्ति कोण कहते हैं इसको, जिसमें ऊपर का ट्राइंगल शिव होता है और नीचे का ट्राइंगल शक्ति होता है। तो मेरे को जब स्टार्टिंग में मैंने तंत्र पढ़ना शुरू किया था ना, मुझे चाहिए था कि मैं मेरे काम से जो मेरे हाथ से जो भी काम हो ना वो शिव शक्ति जितना बैलेंस्ड हो, तो इस वजह से मैंने ये सोच के बनवाया था। एक बार दिखाना है आपने इसको, मतलब ये है, लास्ट में क्लोजअप शॉट भी ले लेंगे हम इसका, बट वाओ वाओ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इस डिस्कशन को, इस वाले एपिसोड को ख़त्म करना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इन नवरात्रों का किस तरीके से, बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा शायद गलत वर्ड होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि माता रानी की सबसे ज़्यादा कृपा उन्हें इन नवरात्रों में हो, आप कुछ लास्ट पे उन्हें बता सकते हैं? मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी की भी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी ही इतनी ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे हेक्टिक रहती है, तो किसी की कितनी कलाइडोस्कोपिक हो मुझे नहीं पता। हाँ जी, बट द ईजीएस्ट वे आउट देयर इज टू जस्ट लिसन। आपने कहा ना जब रात में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, क्यों? क्योंकि बस माता का नाम होता है। आप बस एक जगह पर बैठ कर अगर कोई स्तोत्र भी कानों में लगा लेंगे ना, वो भी पर्याप्त होता है, क्योंकि मैटर सिर्फ और सिर्फ आपका भाव करता है और कुछ नहीं करता। तो इस नवरात्रे अगर आप माँ को नहला ना पाओ, माँ को घर ना बुला पाओ, आप उतनी बहुत उत्कृष्ट लेवल की जो आपको लगती है पूजा ना कर पाओ, तो बस कानों में एक स्तोत्र लगाओ, माँ के सामने बैठो, आंख बंद करो, माँ आपको खुद ही गाइड कर देंगी। कोई एक स्तोत्र जो आप रेकमेंड करो? महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, बहुत सुंदर, ललिता सहस्त्र नाम है, उससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ बना ही नहीं है ललिता सहस्त्र नाम से। उसमें माँ श्री यंत्र की बात करती हैं, कैसे अपने हज़ार नाम माँ के होते हैं, वो क्या होते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो हज़ार नाम है वो, और कैसे वो हमारे शरीर के अंदर वास करती हैं, हमारे चक्रों में वास करती हैं, वो सब कुछ उसे एक स्तोत्र में बताया गया है। तो वो हज़ार नाम सुन सकते हो, माता महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र सुन सकते हो और अर्गला स्तोत्र सुन सकते हो। अर्गला स्तोत्र सुनना और उसका पाठ करना इस टाइम पर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके जीवन की अर्गलाएं जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब खुल जाते हैं। तो दिस इज समथिंग रियली गुड दैट पीपल कैन एक्चुअली प्रैक्टिस। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र मिलता है, और आपने सुना भी होगा वो रूपम देही जयम देही यशो देही दुशोदेही, तो वो यही अर्गला स्तोत्र होता है कि हम माँ को कहते हैं कि सारे अंदर की नेगेटिविटी डार्कनेस सब का विनाश करके हमें रूप दो, यश दो, जय दो, अपने जैसा बनो वैसा। ये सारे के सारे मैं लिस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि सारे के सारे हमारे दर्शक इसका सबसे ज़्यादा एटलीस्ट इन नवरात्रों में एक बार करके देखो, नौ दिन तो हैं। नौ दिन की तो बात है, और ये तो वो दिन है जो जबरदस्ती बुलाए गए हैं। हाँ। श्री राम ने जबरदस्ती लाए हैं ताकि लोगों का उद्धार हो सके, आने लिखे भी नहीं था ये तो। और यही कर लो एक बार, नौ दिन है कर लेते हैं एक बार, सारे मिलके करते हैं, हम सब करके मिलके करते हैं और देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। है ना, बिल्कुल परफेक्ट। इशिता जी बहुत 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 मज़ा आया मुझे तो। मैं बस अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि इशिता जी आज अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो मेरे पास आए हैं। हमारा ये एपिसोड शूट हुआ, माता रानी ने ही बुलाया था हमें आपके पास, और कोई आखिरी चीज़, लोग आपको कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हम @ सूजी बोले से ही हैं, और बस आखिरी बात यही है कि स्टेप
वो जो पहला स्टेप है वो लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत. थोड़ा सा मुझे पता है तकलीफ होती है, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पूरी जर्नी है. एंड मे द शक्ति बी विद यू, एंड मे द शक्ति बी विद यू एंड एवरीबडी एंड बी विद यू. आपके साथ तो हैं ही. थैंक यू. परफेक्ट, खत्म करते हैं. बहुत मजा आया. थैंक यू. टेक केयर. आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा मैं. ठीक है. बहुत एपिसोड मिस करने हैं हमने. ओके, बाय.